वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? देखिए, आज मैं आपको 2 घंटे का एक सेशन दूंगा जिसमें आपको बेसिक जो आइडिया है सिविल सर्विसेज का वो मिलेगा। और टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ योर एंटायर जर्नी ऑफ UPSC। सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो आपको बोलूँगा ये चीज़ आप आमतौर पर 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद सीखोगे। चलिए, अब जो भी आएगा ना पीछे से भेजना, ठीक है? बंद कर दो ये। चलिए चलिए, आशी पहले तो आप नोटबुक्स निकाल लीजिए, अच्छे से जो जो मैं बोलूंगा अच्छे से समझ कर उसको लिखो। अगर आपको गर्मी होगी एसी से तो मुझसे बता देना, लेकिन क्लोज इट। नासी, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप सब लोग अलग अलग जगह से आए, सो आई नीड नॉट टू गो थ्रू दी इंट्रोडक्शन कि कौन कहाँ से है, किसने क्या किया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली वो चीज़ बोलूँगा जिसके लिए आप इधर आए हैं। वो है कि आप UPSC के लिए सोच रहे दिमाग में, किसी ने अपनी जगह शुरू भी कर लिया होगा, और शुरू भी कर लिया होगा टॉपर वॉपर से, किसी से सुना होगा कहीं पर, किसी का वीडियो देखा होगा, या फिर किसी से बात की होगी, किसी का हमसाया क्वालिफाई हो गया, उसने बोला कि NCERT पढ़ो, वो करो, ये करो। पर हकीकत, असल चीज़ एक फ्रेशर को नहीं पता होती है कि करना क्या है, तो वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। और इसको आप पत्थर की लकीर समझना जो मैं आपको आज लिखाऊंगा। या तो आप आज मेरी बात मान लो जो मैं दे दूंगा आपको, या तो 2 साल धक्के खाकर आप फिर इसी बात पर पहुँचोगे, ठीक है? तो बेहतर वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो मैं जो आपको दे रहा हूँ आज, ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और ढेर सारे टॉपर से बात करके इसका निचोड़ निकाला है कि करना क्या है सिविल सर्विसेज के लिए। बिल्कुल एक फ्रेशर जो पहली मर्तबा इसमें आया है, या जिसने घर पे थोड़ा सिलेबस देखा है और उसको कुछ खास पता नहीं है कि करना क्या है। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, या मैं कुछ टेक्नोलॉजी के पोर्शंस पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा GDP क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये मैं बता भी दूंगा कि आप घर पे भी पढ़ सकते हो, YouTube पे ढेर सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। आप YouTube पे जाएंगे, आपको सर्च करना है कि बताइए भाई फिशन रिएक्टर कैसे काम करता है, तो आपको बताएंगे इंडिया का जो फिशन रिएक्टर है वो 3-स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें पहले स्टेज में हैवी वाटर रिएक्टर लगता है, दूसरे स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगता है, तीसरे स्टेज में थोरियम इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये कोई भी बता सकता है आपको, YouTube पे ढेर सारे एनिमेटेड वीडियोज़ है इस पर। पढ़ना कोई मसला नहीं है कि टॉपिक मुझे पढ़ना कहाँ से, उसके लिए आप यहाँ नहीं आए हैं, वो आप घर पे ही कर लो। अगर आपको इतना भी नहीं आएगा कि मैं भाई एक टॉपिक घर पे पढ़ सकूँ, किताब से पढ़ सकूँ, वीडियो से पढ़ सकूँ, फिर आप सिविल सर्विसेज आपके लाइक नहीं है फिर, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते। मगर यहाँ आने का मकसद है कि जो आपको घर पे नहीं मिलेगा, जो आपको YouTube से नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइडेंस और मेंटरशिप कि भाई इस लंबे रास्ते में जिसमें मुझे 1 साल 1.5 साल 2 साल का भी समय लगेगा सिर्फ सिलेबस को कवर करने में, सिलेक्शन में नहीं, सिलेबस को कवर करने में ही आपको 2-2 साल निकल जाते हैं। अगर आप IAS के लिए पढ़ रहे हैं, KS जैसा एग्जाम 1.5 साल में 1 साल में हो सकता है, UPSC का वास्ट सिलेबस है, 2 साल लगेंगे सिर्फ कवर करने में, एग्जाम के लिए तैयारी करने में, उसके बाद एग्जाम कब क्वालिफाई होगा वो भी नहीं पता हमें। तो पहले दिमाग में ये डालना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये अलग, बिल्कुल अलग रास्ता है। इट्स नॉट JEE, इट्स नॉट NEET, इट्स नॉट कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम, ये बिल्कुल ऐसा कोई एग्जाम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें आना है यू शुड बी रेजिलियंट इनफ एंड यू शुड बी विलिंग इनफ कि भाई मैं घुसूंगा और निकलूंगा नहीं फिर इसमें, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस में भी ये है सिस्टम कि 99.9% ऑफ द पीपल डोंट क्वालिफाई, 99.9% पीपल डोंट क्वालिफाई UPSC एग्जामिनेशन। तो आप में से भी हार्डली एक बंदा IAS निकलेगा, मगर ये चीज सबको पता है, मगर उसके बावजूद आपको ये प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं इसकी जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूं। वाई?
बिकॉज ये प्रिपरेशन किसी एग्जाम की नहीं है, ये जिंदगी बदल देगा आपकी। इसमें स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज पर आपकी लाइफ ऑल्टर हो जाएगी। ये कोई एग्जाम के लिए नहीं आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो भी इसको एग्जाम समझेगा ना उसका वो एग्जाम ही समझेगा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इसको। ये पूरा एक रिगरस ट्रेनिंग का प्रोसेस है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों को भेजते हैं दारुल उलूम, उसको बोलते हैं इसको यू नो बचपन से ही कुरान याद कराना है, मेमोराइजेशन कराना है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक बच्चा, मेरा बच्चा अभी 6 साल का, उसको मैंने भेजा दारुल उलूम, उसको मैंने कहा कि इसको हिफ्स करा लो, इसको कुरान पूरा याद करा लो। अब वो हिफ्स करने लगा 5-6 साल के बाद वो बराबर कुरान याद करके बाहर निकला, उसको ज़बानी कुरान सारा याद है, लेकिन कुरान की एक भी आयत उसके दिल में नहीं गई है, उसकी पर्सनैलिटी नहीं बदली है, वो वैसा ही है जैसा वो पहले से था। इसीलिए आपने कितने देखे, कुछ कोई मौलवी है झूठ भी बोल रहा है, कांड भी कर रहा है, यहाँ से हाफिज़ भी है, बिकॉज उनने वो सिर्फ वो लेटर्स याद किए हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं बदली है। वो एक अच्छा मौलवी और अच्छा आलिम नहीं बन सकता कभी। बिल्कुल ऐसे ही इसमें किताबें याद करना, किसी के नोट्स याद करना, अगर आप वैसे ही रहेंगे तो आप बराबर उसी इंसान के जैसे हैं जिसने लेटर्स याद किए हैं कुरान के, उसके दिल में चीज़ नहीं गई है, वो बदलेगा नहीं। वो एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता, अच्छा इंसान ही नहीं बन सकता वो। तो आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एथिक्स आपका, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, सीसैट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ समझ कर, अंडरस्टैंड करके दिल में उतारना है, तभी आप बदलोगे, अंदर से बदलोगे आप। तो दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और ये समझना है कि इसमें मैं घुस रहा हूँ टू चेंज द वे आई हैव बीन लिविंग माई लाइफ, आई वांट टू चेंज इट नाउ। मैं नए तर्ज पे जीना चाहता हूँ, नया तर्ज आपका, मैं आपको बताऊँगा सिविल सर्वेंट का तर्ज क्या होता है, इसका हकीकत में मकसद क्या होता है। एक ही सिविल सर्वेंट ही था जिसने इंडिया को आज़ादी की कगार पर पहुँचाया था, जिसने बाहर से आर्मी, अपनी प्राइवेट आर्मी लेकर आया था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये खोलना प्लीज, नीचे नीचे, ये नीचे वाला, हाँ बस उधर से भेजो, इन्ना 2 मिनट इधर ही रहो, जो भी नए बच्चे आएंगे ना पीछे से भेजो, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट ही था उन दिनों जब ब्रिटिशर्स के अंडर सिविल सर्विसेज होता था, उसको हम ICS कहते थे, UPSC तो बाद में बना, तो इंडियन सिविल सर्विसेज, वो आया था उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने क्वालिफाई किया था, एंड देन ही बिकेम एन ICS ऑफिसर। उसके बाद वो फिर आज़ादी की कगार पे हिंदुस्तान को पहुँचाया उसने, रविंद्रनाथ टैगोर का भाई, वॉज अगेन एन ICS ऑफिसर। तो सिविल सर्विसेज अगर आप अच्छे से समझ लें, आपकी ज़िंदगी, मतलब यू बी अ बेटर ह्यूमन बींग, बेटर ह्यूमन बींग, बेटर एथिकल स्टैंडर्ड्स, एंड इट इज़ द बेस्ट जॉब यू कैन डू विद योर लाइफ्स। ना देखिए, आप अभी कितने ही हैं आप, ऑन एन एवरेज मुझे जितना अंदेशा है 25 साल ऑन एन एवरेज आपकी उम्र होगी, कुछ 21-22-23 होंगे, कुछ 28-27 होंगे, एवरेज 25 साल आपकी उम्र है। अब 25 साल की उम्र में आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट अट्रैक्ट्स यू, व्हाट कैन अट्रैक्ट यू इज अ जॉब, व्हाट कैन अट्रैक्ट यू इज मनी, व्हाट कैन अट्रैक्ट यू इज पावर। दैट इज 25 साल का दिमाग, इतना ही काम करता है, उसको जॉब, पैसा या पावर चाहिए। मगर ये सिविल सर्विसेज इन तीनों के लिए नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू जस्ट अ जॉब, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू जस्ट पावर, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, इसमें पैसा नहीं है। तो जो पैसे के लिए आ रहा है वो निकल जाओ, इसमें पैसा ही नहीं है। एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर को 2 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, एक टीचर मेरे जैसा छोटा टीचर हफ्ते में 2 लाख रुपये कमा लेता है। तो आपको पैसे के लिए सिविल सर्विसेज में आना नहीं, बिकॉज उसमें है नहीं पैसा ज़्यादा। गवर्नमेंट में हमेशा रिसोर्स का क्रंच होता है, वो पैसा नहीं देते ज़्यादा। आपको तनख्वाह 30 साल काम करके आपने ज़बरदस्त काम किया और आप रिटायर भी हो गए, पेंशन भी आधा ही मिलेगा आपको, उतना पेंशन वेंशन भी नहीं है। तो पैसा वैसा जिसको कमाना है उसको अपना स्टार्टअप खोलना चाहिए। टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, दुकान वकान खोलो, वहाँ पर अच्छा पैसा कमा लोगे आप। पावर जिसको चाहिए सिविल सर्विसेज उसके लिए नहीं है, उसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, वहाँ असल पावर मिलेगा आपको। उसके लिए पता है गालियाँ खानी है, उसमें इंसान ऐसा रेजिलिएंट होना चाहिए कि वो गाली दे भी सके, गाली ले भी सके, और उसको सड़कों पे मार खा भी सके। इंजीनियर रशीद के साथ कितना मार खाता है वो बंदा, पॉलिटिक्स में है, पावर है, और वो असल पावर है जहाँ पर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हो, आप एक नया तर्ज दे सकते हो देश को। सिविल सर्विसेज इस सब के लिए नहीं है। सिविल सर्विसेज का प्राइमरी मकसद है कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, कि हमारे जो लोग हैं इधर आसपास, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना,
इनको वो सुविधाएं देना जो जो वो डिज़र्व करते हैं, जो एक सिटीज़न डिज़र्व करता है, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, ये सारा सिविल सर्वेंट का काम है। तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है पूरी कंट्री में, उसको आगे चलाना। नाउ टेक एन एग्जांपल, ये पूरा करानगर का एरिया है, बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे इधर। यहाँ पर आप दो सेकेंड के लिए इमेजिन कर लो, कोविड में हुआ था ये, मैं दिल्ली में था मालवीय नगर में, वहाँ पर कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो वो सफाई कर्मचारी जो है वो आए नहीं काफ़ी टाइम। जब आए नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ऐसा अंबार जमा हो गया, किसका, कूड़े का, पहाड़ खड़ा हो गया उधर। अब आप इमेजिन करो, आपके आप भी जहाँ पर रहते हैं, श्रीनगर का कोई भी इलाका देखो आप, वहाँ आप दो सेकंड के लिए इमेजिन करो, हफ्ते एक एक महीने भर ये सफाई वाले नहीं आएंगे, फिर आप देखो आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब ये कौन कर रहा है, बैकड्रॉप में ये सारे लोग यही काम कर रहे हैं जो आपका मशीनरी चला रहे हैं। और हम बोलते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नहीं होगी तो आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ट्रैफिक मैनेज कैसे होगा कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ पर हम सिग्नल भी नहीं मानते हैं। तो आपका मिलिट्री वाला घुसता है, सीआरपीएफ का बंदा घुसता है कि यहाँ से चलो, वैसे चलो, वैसे चलो, लोग घुसते हैं खुद से। वो ये है सिस्टम, सिविल सर्विसेज एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी को चलाता है, ठीक है। आप ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते कि देश ही बदल दूंगा, वो सिविल सर्विस का काम ही नहीं है, उसके लिए पॉलिटिक्स जाओ, उसके लिए लीडर पीडर अलग से बनता है, वो देश की हयात बदल सकता है। आपका काम है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी को आगे चलाना ताकि लोगों को, आम इंसान को सुविधाएं पहुंचे, ये है इसका एथिकल स्टैंडर्ड। अब इसके लिए ये आपको पावर नहीं देगा, ये आपको अथॉरिटी देगा। क्या देगा, अथॉरिटी, एब्सोल्यूट पावर पॉलिटिक्स में मिलेगा आपको, विच इज बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वी नो दैट, मगर पावर है, यू कैन चेंज स्टफ। यहां पर यू गेट अथॉरिटी, अथॉरिटी टू चेंज द लाइफ्स ऑफ द पीपल, टू मेक इट मोर बेटर। अब ये है सिविल सर्वेंट का मकसद, और मैं लिस्ट डाउन करूंगा आपको कि इसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। पहले सिलेबस बाद में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में आते हैं, टॉपर्स कॉपी बाद में आती है, एनसीईआरटी बाद में आती है, पहले स्किल सेट क्या जरूरी है सिविल सर्विसेज के लिए। अगर ये स्किल सेट है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो आज ही डिसाइड कर लो, ये मेरे बस की बात फिर नहीं है। इसका जो स्किल सेट है, अगर आप में ये है, अच्छे से आप इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप, पूछो कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वरना आपके खाम खा के 2-3 साल जाया हो जाएंगे। और ये अगर आपका मकसद है तो अभी आप मान लो प्राइवेट जॉब चले जाओ या कहीं पर भी कोई जॉब कर लो, बट इस इज नॉट जस्ट अ जॉब, इसमें पैसा भी नहीं है उतना। तो आपका स्किल सेट रिक्वायर्ड क्या, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल एड्रेस टुडे, कि व्हाट आर द 12 इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। इफ यू हैव इट देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब यू लिस्ट इट डाउन, यू लिस्ट इट डाउन, उसके बाद में सिलेबस और स्ट्रेटजी पे आऊंगा कि कैसे करना है। I call it the 12 rules of civil services. 12 rules. Now see, सबसे पहले ये 12 जो रूल मैंने बनाए, ये है आपके वो रूल्स जो आमतौर पर आईएएस ऑफिसर्स में देखे जाते हैं। ये सब में, जो भी आईएएस ऑफिसर बनता है उनके कॉमन ट्रेट्स होते हैं, सब में होता ही है, जिसमें नहीं है वो नहीं बनता। शॉर्ट में ऐसे फॉर एग्जांपल होता है ना, जैसे चाय हम पीते हैं, उसमें आप छन्नी लगाते हैं, जैसे वो चाय तैयार होगी फिर आप छन्नी से उसको करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, तो वो सारा कचरा जो है फिल्टर आउट कर लेता है और प्योर चाय आपकी नीचे आती है। चाय में चाय बनी तो वो नीचे आएगी, अगर कचरा है वो ऊपर रहेगा, बिल्कुल यही बात है। प्रिलिम्स आपका फिल्टर है, मेंस आपका फिल्टर है, इंटरव्यू आपका फिल्टर है, ये छन्नी की तरह आपको निकालेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, फिल्टर आउट कर रहा है, उस एक बंदे में है, उसको खींच कर निकाला आपने। यही है 12 रूल्स, अगर आप में है आपको खींच कर निकालेंगे वो। प्रिलिम्स से आप निकल जाओगे, मेंस से आप निकल जाओगे, इंटरव्यू से आप निकल जाओगे। 12 स्किल सेट रिक्वायर्ड है इसके लिए। सबसे पहला इज लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको मत लगेगा ये मैं आपको हवाई कहानियां बता रहा हूं, ये यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ वर्ड है, ये हमें ये चाहिए। तो आपको जब किसी डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में जाना होता है, आपको देखना होता है ना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तब जॉब मिलेगा मुझे। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चाहिए, ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये सिलेबस में आपके है। तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब क्या, नाउ सी,
ये अभी से शुरू होना चाहिए, जो मैं लिखूंगा ना ये अभी से शुरू होना चाहिए. इफ यू डोंट हैव इट इन यू बट यू आर रेजिलियंट इनफ एंड यू हैव द विल पावर, यू कैन डेवलप दीज क्वालिटीज ओवर टाइम. पैदाइशी लीडर्स दो किस्म के होते हैं, सम पीपल दे आर कॉल्ड एज बॉर्न लीडर्स, दूसरा होता है दे आर मेड लीडर्स. उनको इनको सर्कमस्टांसेस लीडर बनाती है. जैसे गांधी वॉज अ पर्सन जो आपका बैरिस्ट्री का काम कर रहा था साउथ अफ्रीका में, उसको एक इंसिडेंट हुआ जब ट्रेन से उसको निकाला गया, दैट वॉज एन इंसिडेंट जिसने उसको लीडर बनाया. फिर उसने कहा, उसको घुस गया ये चीज़ दिमाग में, फिर जाके साउथ अफ्रीका में काम किया, वहाँ जो उसने काम किया वही उसने रेप्लिकेट किया इंडिया में, जो यहाँ पर फिर बिहार के अंदर जो भी उसने सिचुएशन लोकल लेवल पर पहले काम किया. तो ये था इंसिडेंट दैट मेड गांधी अ लीडर. तो ऐसा नहीं है कि लीडर आप बोलेंगे सर मुझ में है ही नहीं, आप ये बना सकते हैं इफ़ यू आर रेजिलियंट इनफ, अगर विल पावर है आप. तो लीडरशिप क्वालिटी जब भी आप देखेंगे, देखो काम क्या है, एक आईएएस ऑफिसर एक केएस ऑफिसर का काम क्या है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट संभालने को मिलेगा, आपको एक डिपार्टमेंट संभालने को मिलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन संभालने को मिलेगी, एक जगह बीडीओ जो आपका केएस ऑफिसर होता है उसको बीडीओ देते हैं, ब्लॉक संभालने को मिलेगा, तहसील संभालने को मिलेगी. अब ये क्या संभालेगा इंसान जिसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जिसको पता नहीं कि लोगों को मिलकर साथ कैसे चलाना है, वो स्टैंड अलोन सिर्फ अपना सेल्फिश नेचर सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच वो नहीं चलता यूपीएससी में केएस में आईएएस में नहीं चलता. यू शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज ताकि आप लोगों को एक साथ जुड़ाकर आगे ले जा सकें. और ये इसी क्लास में शुरू होगा. अगर आप इस क्लास में भी एक कोने में बैठकर चुपचाप बैठा है बंदा अपने काम से काम, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं, उसमें प्रॉब्लम है. ये फिर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है. आपको क्लास में ही ये शुरू करना है, ये प्रोसेस क्लास से ही शुरू होता है कि हाउ यू इंटरैक्ट विद योर ओन कलीग्स इन द क्लास इटसेल्फ. उसके बाद हाउ यू यू नो लीड सम पर्टिकुलर इनिशिएटिव, हाउ यू लीड अ पर्टिकुलर टीम. उसके बाद आप एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने लगेंगे धीरे धीरे, और ये अभी से शुरू हो गया. ये स्टैंड अलोन ये नहीं होता है घर पे. तो ये चीज़ है जो आपको घर पे नहीं बनती है, जो आपको वीडियो से नहीं मिलती है, ये सोशल इंट्रैक्शन से मिलती है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू नो बी अंडर अ गाइडेंस सिस्टम जो आपको ये सिस्टम ये क्वालिटीज डेवलप करा के दे. तो इसमें क्या है, लीडिंग टीम्स एंड इनिशिएटिव्स. नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अथर आमिर. अभी किस में SMC में है ना, म्यूनिसिपैलिटी में. अब व्हाट इज ही डूइंग, ही इज द सीईओ ऑफ व्हाट, स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी जो मिशन है श्रीनगर का, उसका सीईओ बनाया उसको. नाउ डू यू थिंक कि अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर पाता? नहीं. आईएएस ऑफिसर को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने पड़ते हैं. सो यू नीड टू हैव दीज लीडरशिप क्वालिटीज. ये और ये अभी से शुरू करना है. इफ यू डोंट हैव इट वो आपको फिल्टर आउट करेंगे, इंटरव्यू में पता चल जाता है इसको नहीं पता है, इसमें है ही नहीं है, ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं है. ये क्या काम करेगा, मणिपुर का क्राइसिस हुआ, मणिपुर में मेथी और जो वो थे, जो भी वो दो ग्रुप्स थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो गई, उनके बीच में कम्युनल राइट्स हो गए. वहाँ कोई ना कोई आईपीएस ऑफिसर होगा जो चाहता होगा कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में सलाह हो. अब उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है ना, उसको बात करने की तमीज़ है, वो क्या दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक दूसरे का सर काट रहे हैं वो क्या उनके बीच में सलाह और नेगोशिएशन कराएगा. ये काम है आपका, ये डेवलप करना है. नहीं कर पाओगे तो यू नॉट बी अ गुड ऑफिसर. तो ये है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी. नंबर टू, व्हाट यू नीड टू हैव इज एनालिटिकल स्किल्स. दिस इज अगेन मेंशन्ड इन योर सिलेबस. एनालिटिकल स्किल्स, अबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशंस, data, ability to analyze situations, data and problems. ये develop करना है. अब for example, अब करानगर आया सबके सब, बारामुल्ला से है कोई या दूर से कौन आया? दूर से कौन आया, कहाँ से आया? बीरुआ से. किस में आया? सोमो में आए. आते आते क्या कर रहे थे? फोन चला रहे थे, बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ एनालाइज किया आपने आते आते, कुछ रस्ते, कुछ इलाके, कुछ प्रॉब्लम्स?
किसमें? और कुछ, कोई बड़ा, कोई कोई कुछ खास प्रॉब्लम जो आपने एनालाइज की? नाउ सी, बीरुआ से ये लड़का आया और आप इसी गाड़ी में जिसमें ये था उसमें आप रखो कनिष्क कटारिया को, अनुदीप दुरीशेट्टी को, अथर आमिर को, और उसको भी उसी गाड़ी में रखो, वो भी वहाँ से करण नगर आएगा। इन दोनों का अप्रोच अलग होगा। एक लगा हुआ अपने फ़ोन में बैठा है, रील पे रील देख रहा है, दूसरा एनालाइज कर रहा है। गाड़ी चल रही है तो ट्रांसपोर्टेशन को एनालाइज करेगा, सड़क पे चल रहा है तो सड़क को एनालाइज करेगा, सड़क को देखेगा कि कहाँ पे पॉट होल्स है, सड़क को देखेगा कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सड़क चल रही है, आज सड़कों का सिस्टम होता है, आज ये सड़कें जो बनाते हैं, ये सड़कें, ये इट्स अ पब्लिक गुड, ये काम किसका है? ये गवर्नमेंट का काम है। सड़क वड़क गवर्नमेंट का काम होता है, पब्लिक गुड। अब ये क्योंकि सड़क बनाने से थोड़ी ना गवर्नमेंट आपको बोलती है कि इस पे चलोगे तो मुझे फीस देना पड़ेगा, या टैक्स भरा है तो सड़क पे चलने दूंगा, टैक्स नहीं भरा है तो सड़क से एक्सक्लूड कर दूंगा। इट्स नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन ड्राइवल गुड, आप चल सकते हैं सड़क पे। इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम आता है, कोई भी चल सकता है, जिसने टैक्स भरा है, जिसने नहीं भरा है, जो फ्री में है, जो गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं देता, वो भी सड़क पे चल सकता है। तो ये पब्लिक गुड है, ये काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। पर गवर्नमेंट के पास है ही नहीं उतने रिसोर्सेज कि वो इतनी सड़कें बना सके, इसीलिए गवर्नमेंट आज किसको ले रही है साथ में? प्राइवेट सेक्टर को, कि आप आइए साथ में मिलाते हैं, साथ में बनाते हैं। उसको हम इन्वेस्टमेंट मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP मॉडल, सड़कें बनाने का मॉडल है। इसमें पॉट मॉडल है, इसमें बूट मॉडल है, इसमें OMDA मॉडल है, इसमें ढेर सारे मॉडल्स हैं। और ये आपका UPSC GS3 का सिलेबस है। GS3 में लिखा है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये है एनालिटिकल एबिलिटी। आप क्या कर रहे हैं आते आते, आप क्या कर रहे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी एनालाइज करनी है आपको। रोजमर्रा के हम किटकैट खाते हैं, है ना? किटकैट तो सबको पता है। किटकैट के पीछे कभी कभार, पता नहीं आज आता है या नहीं, उन दिनों आता था जब मैं प्रिपरेशन करता था, उसके पीछे कुछ डू यू नो करके कुछ फैक्ट्स आते थे। किटकैट के पीछे डू यू नो वाले फैक्ट्स में एक UPSC में क्वेश्चन आया था, वो किटकैट के पीछे आता था। ये रोजमर्रा की जिंदगी है, एनालाइज करना है। डोंट स्लीप वॉक थ्रू लाइफ, स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ, यू डोंट नो आप क्या कर रहे हैं। मोनोटोनी हो गई है जिंदगी में। आप सुबह उठ रहे हैं गाड़ी में, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाई, मैंने अपना हाथ स्टेयरिंग पर लगा और जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर धरा, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव था, मेरे सेंसेस इतने एक्टिव थे, मैं बराबर फील कर पा रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से देख रहा था, यहाँ से देख रहा, सब कुछ देख रहा था मैं। आज मैं क्या करूँ, मैं सुबह निकलता हूँ घर से, आधा घंटा लगता है करण नगर तक, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने गाड़ी चलाई कब, मैंने गियर कब दिया, ये सब दिमाग में ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब मोनोटोनी होगी, मोनोटोनस लाइफ है, इसको वी कॉल इट इन फिलोसफी सेक्रेट मोनोटोनी। खुद ब खुद हो रहा है, स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ, यू डोंट रियलाइज आप क्या कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट व्हाट अ सिविल सर्वेंट इज ऑल अबाउट। एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जर्व द थिंग्स दैट आर अराउंड यू, ऑब्जर्वेशनल स्किल। इस क्लास में ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व द करानगर, ऑब्जर्व द श्रीनगर, ऑब्जर्व एंटायर वर्ल्ड, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, एवरीथिंग। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? एनालाइज, एनालाइज द सिचुएशंस, एनालाइज द डेटा दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, एनालाइज द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या सोल्यूशन है। ये सिविल सर्वेंट का अप्रोच होता है। नेक्स्ट वी हैव, अकॉर्डिंग टू मी, मैं सोच रहा था मैं इसको कहां पे रखूं, जो तीसरा मैं लिखूंगा इधर, पर मुझे ये लगा कि इसको तीसरे नंबर पे ही होना चाहिए, दैट इज इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। नाउ आई वॉज कन्फ्यूज कि वेदर आई शुड पुट एथिक्स एज द फर्स्ट एंड लीडरशिप एट सेकेंड एंड एनालिटिक एट थर्ड, पर बाद में मुझे समझ आया कि यू नो फॉर अ सिविल सर्वेंट इफ यू आर इंटेग्रिटी है आप में, इम्पार्शलिटी है, ऑनेस्टी है, कंपैशन है, सिंपथी है, एम्पथी, ये सब हैं आप में, एथिकल स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स में अच्छे हैं आप, बट यू डोंट हैव एनालिटिकल लीडर स्किल्स, you'll not qualify the exam. So these two are important to qualify the examination, and this is important to survive this preparation. You need to have good ethical and integral standards. Yani you should be high on morality, high on moral standards. Don't take it lightly, please.
डोंट टेक इट लाइटली, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर फ्यूचर. अगर आप इसको लाइटली लोगे, दुनिया में भी आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा और दुनिया के बाद भी. इसमें आपको इतना ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है ढेर सारा पैसे कमाने का और एक्सप्लॉयटेशन करने का, यू कैन नॉट इवन इमेजिन. 400 करोड़ का करप्शन करते हैं आईएएस ऑफिसर्स, 400 करोड़. एक दुकानदार को 400 करोड़ कमाने में उसकी पूरी 7 पुश्तियां खत्म हो जाएंगी. इतना एक आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करो, आपको 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का करप्शन कर सकते हैं आप. इसमें इतना अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन जस्ट यू नो ऑल्टर द एंटायर लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू. मगर यह है, यू नीड टू हैव इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, एंड दिस इज अ नोबल सर्विस. सिविल सर्विस इज अ नोबल सर्विस. इट्स नॉट यू नो पीपल अराउंड हियर कहते रहते हैं कि क्या हम इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, गिवन जो लोगों के यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं. पर यह है कि हमें सिर्फ बातें करनी आती है, हमें किसी में वो ताकत ही नहीं है कि हम उठेंगे, बातों को छोड़ेंगे, उठेंगे और हालत बदलने की कोशिश करेंगे. वो है ही नहीं किसी में. क्रिटिसाइज करना सबको आता है, खासकर कश्मीर में. मैं तो पढ़ाता हूँ, वैसे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में हर जगह पढ़ाया मैंने बच्चों को. जो ग्रिलिंग कश्मीर के स्टूडेंट्स करते हैं वो कहीं नहीं होता है. और कैसे देखते हैं, कपड़े क्या लगाए हैं, बाल कैसे हैं, ये सब फजूल चीज़ें. क्या मैंटेलिटी बहुत छोटा, और कुछ ऐसा बोल देगा तो उसका अपना इंटरप्रिटेशन निकाल लेगा. कोई बात कर देगा, कोई दीन की कभी बात निकल जाती है मुँह से, उसमें भी निकालेगा कि कन्वर्ट है ना, अहले हदीस, कुस्ताम, सूफी वगैरह. ये है मैंटेलिटी बहुत छोटी. अब कश्मीर को इनको बस यू हैव टू क्रिटिसाइज जस्ट. और ये है, दिस सिविल सर्विस इज अ नोबल सर्विस. या ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमने एक अनाउंसमेंट की, आप लोग इधर आ गए, क्लास भर गया, और आप ये चीज़ इसके बारे में सोच रहे हैं कम से कम. इट्स अ बिग थिंग. बहुत लाखों बच्चे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, पर ये लॉट है जो उन लाखों बच्चों में आया है. हमने लगभग 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हमें, उसमें फिर स्कॉलरशिप में भी हमने फिर एक आपका कराया, दूसरा फिर स्लॉट्स में कराए. आज भी किसी का स्कॉलरशिप है, ढेर सारे बच्चे आते हैं, पर इसमें टिकना मुश्किल है. जो टिकेगा वही करेगा, बिकॉज लोगों को लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा, ये शायद ये ज़्यादा लंबा खींच रहा है, शायद मुझ में वो है ही नहीं. पर यू नो दिस इज़ वट रेजिलियंस इज़ ऑल अबाउट. सुबह विंटर्स के टाइम 9 बजे पहुँचना, इट इज़ वट रेजिलियंस इज़ ऑल अबाउट. नाउ सी, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स में यू शुड बी हाई ऑन मॉरल्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. अ सेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी होना चाहिए. इम्पार्शियलिटी. नाउ टेल मी, आप लोगों को या तो खुद, या तो आपके फादर को, या तो मदर को, या भाई को, या घर पे किसी रिश्तेदार को, कभी ना कभी गवर्नमेंट में दफ्तर जाना पड़ा होगा, और उन्होंने देखा होगा कि वो लोग कितना घुमाते हैं हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी इसी इंस्टीट्यूट की एग्जाम्पल देता हूँ आपको. हमारा एक तो आपने मेन कैंपस देखा, और एक क्लास इधर लगता है, एक सड़क के उस पार एक क्लास लगता है, वहाँ हम SSB की क्लासेस लगाते हैं. अब वहाँ पर एक पूरा फ्लोर लिया है हमने, उधर पे एक इलेक्ट्रिसिटी का एक और कमरा लिया था, वहाँ उन्होंने कहा कि आप जो मीटर है उसको अलग कनेक्शन दीजिए, तो हमने अलग कनेक्शन दिया मीटर का. अब वो मीटर हमने अब काटना था, कमरा छोड़ना था. अब वो मीटर काटने में कम से कम अभी 1 महीना हो गया है. ये दफ्तर वाले हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पता नहीं एफिडेविट अच्छी साइन गलत, अच्छी नहीं क्या हम लिखिए, अच्छी नहीं क्या हम लिखिए, पेट दर्द है और कुछ भी नहीं है. अब 1000 रुपये उसकी जेब में डालो, वो सारा काम खुद करके दे देगा आपको. ये है कि वो बिल्कुल मिजरेबल बना रहे हैं हमारी ज़िंदगी. अब इमेजिन करो, एक ऑफिसर अगर इंटेग्रिटी होगी उसमें और ऑनेस्टी होगी, अपने नीचे सबकी बैंड बजा देगा वो सबकी, चाहे वो आपका डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स का हो, चाहे GST का हो, इनकम टैक्स का हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो. एक ऑफिसर अच्छा हायर स्टैंडर्ड और मोरालिटी का, वो सारा अपने का नीचा सबॉर्डिनेट्स को सारी उनकी ज़िंदगी संवार देगा, और लोगों की जो भी उनके साथ डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग है इसमें. आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती है. दिस इज़ वॉट यू शुड थिंक अबाउट. डोंट थिंक अबाउट जॉब एंड मनी एंड पावर. वो है, इट्स नॉट अ जॉब फॉर दैट. उसके लिए देर इज एन एंटायरली डिफरेंट रूट. अगर आपको पॉलिटिक्स में पावर चाहिए, जस्ट ज्वाइन IPAC. उसमें इलेक्शन वेलेक्शन ढूंढो कैसे करना है, उसमें ट्रेनिंग लो 2-3 साल, 5-6 साल ग्रास रूट पर काम करो,
लीडर्स के साथ पीछे पीछे उनकी चापलूसी करो, आप भी को भी टाइम मिलेगा आपको मशीनरी किसी पार्टी में ज्वाइन करके लोकल लेवल पे काम करते 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 धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते हैं। अमित शाह स्कूटर पे घूमता था गुजरात में जब वो बीजेपी के बैनर लगवाता था, अब आप इमेजिन करो वहाँ से उसकी क्या यू नो जंप उसने मारी और कहाँ वो पहुँचा, सेकेंड मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। तो ये है पॉलिटिक्स पावर एंड ऑल, वो अलग रूट है उसका, दिस इज नॉट द रूट फॉर दैट। और ये आम इंसान बस नॉर्मल इंसान उसकी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर हो उसके लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रल, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है लाइक विल नॉट लाइक हेल्प यू इन अ वे जैसे हम करते हैं, तो ये इसका ख्याल रहे, इसका ये इम्पोर्टेंट है ये। और ये अगर नहीं है बिकॉज ये ऐसी चीज़ है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना इसमें, ऐसे जो बाहर रहते हैं दिल्ली या अब्रॉड उनको पता चलता है आपके सारे दोस्त शराब पीते हैं, सारे दोस्त उनकी बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, पोक खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, हमें बोला गया ये भी हराम है, वो भी हराम है, ये भी हराम है, वो भी हराम है, रोका रखा है खुद को। अब उसके लिए कितना मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना। बिल्कुल ऐसे ही जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे आपका बगल वाला, आपका ऊपर वाला, आपका नीचे वाला, सब लोग खा रहे हैं, कितना मुश्किल है अपने आप को रोकना। पर यही आपकी यहाँ की ज़िंदगी वुड सेट द स्टैंडर्ड ऑफ योर आखिरत की ज़िंदगी, और ये आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर, नंबर फोर पे वी हैव अडैप्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट अडैप्टेबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी। नाउ सी व्हाट इज अडैप्टेबिलिटी, पहले मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बोलूंगा जब आप क्वालिफाई करेंगे उस वक्त इसका कितना बड़ा रोल है। अडैप्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल 2013 में यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारे बच्चे थे जो 2013 से पहले प्रिपेयर करते थे, 2009 2010 11 3 4 5 साल दिए थे, 13 हो गया पैटर्न चेंज हो गया, और ऐसा पैटर्न चेंज हो गया कि बहुत लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दी है, उनमें वो अडैप्टेबिलिटी नहीं थी कि नए पैटर्न और नए तर्ज के साथ अपने आप को अडैप्ट कर ले, एंड दे डिड नॉट सर्वाइव इन दिस प्रिपरेशन। द सेम थिंग हैपेंड इन जेकेएस 2018, 18 से पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में 18 से पहले एक पुराना पैटर्न था, उसमें प्रिलिम्स में एक ऑप्शनल होता था, फिर मेंस में दो ऑप्शनल होते थे, जीएस के दो ही पेपर होते थे चार के बगैर, तो वो पुराना तर्ज था। और बहुत सारे लोग 2016 वाले, 2013 वाले, 14 वाले, 12 वाले, 11 वाले जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही 18 का पैटर्न देखा जो यूपीएससी का पैटर्न था, दे कुड नॉट सर्वाइव द पैटर्न, कुड नॉट अडैप्ट टू द चेंजिंग पैटर्न, बिकॉज उसमें नए पेपर्स ऐड हो गए, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड ऐड हो गया, स्टैटिस्टिक्स हटा दिया, एक ही ऑप्शनल रखा, एक हटा दिया, जीएस में बाकी सारे टॉपिक्स ऐड कर लिए, ऑप्शनल में एक नया तर्ज बन गया 18 के बाद। उन्हें कहा यार अब ये इतना डिफिकल्ट हो गया हमसे नहीं होगा। बट देर वॉज अ गाई मुदस्सिर नाम है उसका, वॉज अ स्टूडेंट हु 2014 का, 14 से दे रहा है, 14 में दिया, 16 में दिया, पैटर्न चेंज हो गया, 18 में दिया, उसके बाद 21 में दिया, फिर 22 में आज केएस निकला उसका, 14 साल, 9-8 साल के बाद, 9 साल के बाद। Now that is adaptability, changing pattern, मैं भी बदलूंगा पुराने तर्ज पे। वो जो होता ना जैसे गेस्लर ब्रदर्स था कुछ, 9th क्लास में पढ़ा था इंग्लिश, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जिसमें वो क्या करते, दो भाई थे जो जूते बनाते थे अपने हाथ, हैंडमेड शू, बहुत पॉपुलर, खराब भी नहीं होते थे। उसके बाद उन्होंने बनाया बनाया बनाया, इतनी देर टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनों से जूते बनने लगे, सस्ते बने, अच्छे बने, कम प्राइस पे बन रहे, लेकिन ये हैंडमेड शू बना रहे बना रहे बना रहे, एक टाइम ऐसा आ गया क्योंकि वो अडैप्ट नहीं कर पाए, देवर आउट ऑफ द मार्केट, और वो दोनों पोअर कंडीशन में मर गए। फिर ऐसा स्टोरी में पढ़ा था, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ। यू हैव टू अडैप्ट टू द चेंजिंग पैटर्न्स। 2023 दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन यूपीएससी एंड केएस एग्जामिनेशन। इस साल आज नया पैटर्न बदल गया, अब इसका जेकेएस इज लाइक अब एट द टॉप, जब से यूटी बना है। यूटी से पहले बहुत मुश्किल था, यहाँ जेकेएस का पता ही नहीं, एसएसबी टाइप का पेपर आता था, लेकिन अब इट्स स्टैंडर्ड इज एज गुड एज यूपीएससी। आपको बस आईएएस की तैयारी करनी है, जेकेएस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत सारे बच्चे आईएएस पढ़ते थे फिर केएस का एग्जाम देते थे कि ये तो एसएसबी का एग्जाम है भाई, ये नहीं होगा हमसे।
बिकॉज उसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती थी। इस बार पैटर्न चेंज हो गया उसका, प्रिलिम्स का, मेंस का बिल्कुल अलग तर्ज पे पेपर आता है। तो 2023 में पैटर्न चेंज होगा, उसके बाद शायद 25 में और चेंज हो जाए, 26 में और चेंज हो जाए। कहा जाता है कुछ ही सालों में ऑप्शनल हटा देंगे वो, जैसे मध्य प्रदेश ने हटाया, यूपी ने हटाया, शायद राजस्थान ने हटाया। तो जैसे स्टेट में ऑप्शनल हट रहा है तो शायद यूपीएससी भी कल को आ जाए कि अब ऑप्शनल नहीं है। इनफैक्ट एक कमेटी ने रिकमेंड भी किया है कि ऑप्शनल को हटा दो, क्योंकि ऑप्शनल से एक अनवांटेड एडवांटेज आ जाती है किसी को, किसी का एंथ्रोपोलॉजी अच्छा है तो उसकी बेसिस पर क्वालिफाई कर लेता है। तो नहीं, ये हटाना है जनरल स्टडीज़ के बेसिस पर, और कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, सिर्फ जीएस के बेसिस पर हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड देगा सबको। तो ऐसा है, बदलेगा पैटर्न। तो आप अगर आज एक तर्ज पे तैयारी कर रहे हो, कल को दूसरे तर्ज पे भी करनी पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहना है। ये तो हो गया प्रिपरेशन का टाइम। उसके बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे, आप सबको है कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, फिर कश्मीर में ही रहना है, ये पॉसिबल नहीं है। आज आपका कार्डर अगमूत कार्डर है, आपको वो नॉर्थ ईस्ट भेजेंगे, अभी होते थे। अब वो बंदा अगर यही है कि भाई मुझे कश्मीर अपना दबदबा दिखाना है, किसी ने मुझे धोखा दिया था, आज मैं उसको वापस दिखाऊंगा कश्मीर, वो सब अब भाई पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इंसान को थोड़ा उसके ऊपर जाना चाहिए, उससे बाहर, उसके ऊपर सोचना चाहिए। तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, अगर आप ज़्यादा ही ऑनेस्ट निकले, अंडमान निकोबार भेज देंगे आपको। लेकिन यार, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू अडैप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जहाँ भी भेजे आप चलेंगे वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक लीडर है, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज, एक लीडर है, उसको बोला गया आपको जेल में भरने वाले हैं, तो आप क्या बोलते हो उसमें से? बोला देखो भाई, मैं रहता हूँ अभी घर में, बड़ा घर है मेरे पास, अभी लीडर इज कंटेम्प्रेरी है, लाइक आप सब जानते हैं, अब मैं रहता हूँ बड़े घर में, लेकिन बड़े घर में भी मेरी ज़रूरत है बिल्कुल बेसिक मिनिमम। मैं बिस्किट और चाय पीता हूँ, और खाना भी ज़्यादा नहीं खाता बिल्कुल, और वर्जिश करता हूँ, और एक पलंग है जिसमें सोता हूँ, दो पीस है मेरे पास सूट लगाने के। मुझे आप कहीं पर भी भेजो, मेरे जैसे इंसान को दिक्कत नहीं, मैं रहता ही नहीं हूँ फाइव स्टार के तरीके से, आप मुझे जेल में भेजो, आप मुझे कहीं पर भी भेजो, मेरा पता है मुझे कैसे अडेप्ट करना है। सो यू हैव टू बी लाइक दैट, आईएएस ऑफिसर अडेप्टेबल होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि आज जो नए ऑफिसर संभलेंगे उनकी एज 28 होनी चाहिए, आज तो 32 है फिलहाल, बहरहाल उसको कह रहे हैं इसको गिराओ 28 पे, बिकॉज जब वो 32 और 33 और 34 हो जाता है, उसमें वो अडेप्टेबिलिटी नहीं रहती है फिर। इसीलिए हमें यंग ऑफिसर्स चाहिए जो अडेप्ट कर सके नए नए सर्कमस्टांसिस को। तो ये आपको अभी भी काम आएगा, या आपको एग्जाम के बाद भी काम आएगा। तो ये है सिस्टम, अडेप्टेबिलिटी। देन नंबर 5, वी हैव इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स that is positive relations with colleagues and stakeholders, positive relations with colleagues and stakeholders, colleagues and stakeholders। I touched this point जब मैं आपको बता रहा था कि leadership quality में you need to have another trait, that is interpersonal skills, communicate with the people around you, develop some positive relationship। कोई ऐसा चतुर टाइप का इंसान होता है जो अपने आप को पढ़ेगा, दूसरे को मैगजीन घुसाएगा कि ये डिस्ट्रैक्टेड रहे बंदा, वो बंदा नहीं कामयाब होता है इसमें। आपको जितना हेल्प हो सके अभी से शुरू कर लो। आपने नोट बनाए, जस्ट शेयर इट ऑफ, कर लो शेयर, कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पास मैंने कुछ खास मेहनत करके नोट बनाए हैं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडवांस, कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिले कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी आप मेहनत करें, जस्ट शेयर, डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप सबको, एक हेल्पफुल नेचर अभी से डेवलप कर लो। आप देखो अल्लाह ताला कैसे आपको ऊपर उठाएगा। जितना आप लोगों का हेल्प करेंगे अभी से, इसी क्लास में आपने कुछ नया पढ़ गया, जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप, कुछ नए नोट्स बनाए, जस्ट शेयर इट विद द पीपल, डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अभी से सीखो, ये डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मेरे को रिश्तेदार एक जो बिल्कुल मेरे बचपन से मुझे पसंद नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ नैग करता रहता है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं उसके साथ छोड़ दूं मामला, या तो अल्लाह कहते हैं कि यू नो, अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, क्योंकि बुराई को बुराई खत्म नहीं कर सकती, बुराई को अच्छा ही खत्म कर सकती है।
तो ये मैं अब मैं अगर सोचूं कि भाई इसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की बचपन से, मैं उसके लिए क्यों उसके लिए अच्छा ही करूं? सवाल ये आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, ये आप ये अपने लिए कर रहे हो, डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। आप ये उसके लिए और अपने लिए कर रहे हो भाई, मुझे उसको उसके पास अजर चाहिए, मुझे नहीं, मुझे क्या सरोकार है इसके साथ, ये जैसा कमीना इंसान है छोड़ो आप, मैं अपने लिए करना, मुझे खुद को इंटरनल पीस चाहिए। दैट इज यू नो हाउ यू वुड डेवलप पॉजिटिव रिलेशन। डोंट थिंक अबाउट हाउ द पर्सन इज बिहेविंग विद यू, थिंक अबाउट यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ और एंड द एंटिटी दैट हैज क्रिएटेड यू। तो दैट इज हाउ यू विल डेवलप दीज स्किल्स। नंबर सिक्स, वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, गौर करना इन सारी चीजों पर आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एक हो गया एनालाइज करना कि क्या मामला थे, दूसरा हो गया अब प्रॉब्लम आपने देखा, उसको आपने ब्रेक डाउन किया, आपने कहा कि ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम निकालना बड़ी बात नहीं है, उसका सोल्यूशन देना बड़ी बात है। प्रॉब्लम निकालने को सब निकाल सकते हैं, आप प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का प्रॉब्लम है श्रीनगर में, सबको पता है भाई, सोल्यूशन लेकर आओ कुछ, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है वो सबको पता है, आप सोल्यूशन दो गर्मी का कुछ। ये है ना, ये आईएएस का ये अप्रोच होता है चीज़ों को लेने का। आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बताइए क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स है, मेंस में आपको मिलेगा ये चैलेंजेस वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, 10 में से 5, 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन चैलेंजेस पर होते ही होते हैं, प्रॉब्लम बताओ। लेकिन जब आपको चैलेंजेस वाला क्वेश्चन आता है, टॉपर्स कहते हैं चैलेंजेस में सिर्फ चैलेंजेस नहीं देना, चैलेंजेस तो लिस्ट आउट करने ही है, फिर सजेशंस देना कि ऐसे ठीक हो सकता है। ये मेंस की आंसर राइटिंग में दिया जाता है, आपको लिखा गया लिस्ट आउट द चैलेंजेस इन पीपीपी मॉडल, तो यू विल लिस्ट आउट द चैलेंजेस बट यू विल ऑल्सो गिव सम सजेशंस कैसे ठीक हो गए। यू नीड टू हैव सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपको बोला जाएगा इंटरव्यू में या केस स्टडी में, एथिक्स का जो पेपर टू, एथिक्स का पेपर आता है जीएस 4 में, 250 मार्क्स होते हैं, 250 मार्क्स में से 120 मार्क्स केस स्टडीज पर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चेक करेगा आपका, आता है सॉल्यूशन देना या नहीं। कल को डीएम बनोगे, एसपी बनोगे, डीएसपी बनोगे, ऐसे आपको सिचुएशंस देंगे, बोलो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। करानगर में उधर चौराहे पर किसी ने मस्जिद बना ली, नमाज भी शुरू हो गई, आपको नजर नहीं पड़ी, उसके बाद आपके पास अब एक ऐसा सिचुएशन है कि मस्जिद या तो गिरानी है, लोग एकदम से यहां पर वायलेंट हो जाएंगे, या तो उनको वो हड़प कर की है उन्होंने जमीन, या तो वो हड़प करने देनी है उनको, अभी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन दो, क्या कर सकते हो। तो ये केस स्टडीज पे आता है, आपको लिखना पड़े 120 मार्क्स है इसके। फिर इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में भी सिचुएशन देगी, सपोज यू आर डीएम ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, हो ऐसे ऐसे हो गया, तो बताइए आप क्या करेंगे। तो वो पे अभी से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कम अप विद सम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान होना चाहिए। ओके, अच्छा है। छह के बाद सेवेंथ, वी हैव एम्पथी। एम्पथी, आपने देखा है मैं बड़ा मूव हो गया था, एक आईएएस ऑफिसर है, शी इज अ लेडी, 2016 बैच की, वो राजस्थान में उनका ये हुआ था, और राजस्थान में किसी डिस्ट्रिक्ट में वो गई थी जहाँ पर माल नरिशमेंट था काफ़ी, बच्चे थे जिनमें चाइल्ड स्टंटिंग हो गया था, मतलब उनकी हाइट क्या हो गई थी काफ़ी कम, क्योंकि खाना अप्रोप्रिएट नहीं मिलता था उनको, रिब्स दिख रही थी उनकी। तो आई वॉज सो मूव्ड बाई हर अप्रोच, क्योंकि उसने उस बच्चे को, नंगा बच्चा था, उसने अपने बच्चे को उसको लिया, एंड शी वॉज जस्ट लाइक क्राइंग। अब एक इमेजिन करो, एक आईएएस ऑफिसर जिसने लबासना में ट्रेनिंग की है, उसने ढेर सारा एक जो टॉप वीआईपी का होता है, स्टेटस होता है, वो फील किया उसने, वो मिनिस्टर्स के साथ उठती बैठती है, लेकिन एक बच्चे को देखकर, उसकी प्रॉब्लम को देखकर, उसको गले लगाकर उसने रोना शुरू किया, दैट इज एम्पथी। जब आप एक दूसरे इंसान के दर्द को समझते हो, इंटरनलाइज करते हो, और ये एम्पथी आपके सिलेबस में मेंशनड है, शुड हैव एन एम्पथेटिक नेचर, एक आईएएस ऑफिसर का ऐसा नेचर होना चाहिए आइडियल। आप जब किसी की प्रॉब्लम देखोगे
डोंट बी मैकेनिस्टिक एंड रोबोटिक. आपसे बेहतर इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपसे बेहतर जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कर सकती है. वी डोंट नीड आईएएस ऑफिसर्स फॉर आवर एफिशिएंट सॉल्यूशंस, बट व्हाट वी नीड इज एम्पैथेटिक नेचर. वो एआई में है नहीं. रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर्स कैन नॉट बी एम्पैथेटिक. दे कैन नॉट फील द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमंस. यू कैन. दैट इज व्हाई एक आईएएस ऑफिसर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है कोई कंप्यूटर या एआई, बिकॉज उसमें एम्पैथेटिक नेचर होना चाहिए. जब वो किसी से बात करेगा, अभी आप जाओ इधर, किसी भी आईएएस ऑफिसर, अभी एसएमसी भी जाओ, आपको वो लिस्ट देना है कि भाई मुझे सर से बात करनी है. आपको बोलेंगे आधा घंटा लगेगा, वेट करो. आप देखेंगे लाइन लगी होगी बाहर, एक एक करके वो अंदर बुलाएगा उन लोगों. अब वो देखेंगे हर बंदा अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा. मैं चुहित मुझे आबिद सर ने कहा था, इज ऑल इंडिया रैंक 25, जो सहरिश है उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा कि मुझे असल पता जब तब चला कि मैं क्या कर रहा हूँ जब मैं सिलेक्ट हो गया था. जब मैं सिलेक्ट हुआ तो हमें एक लड़की, एक औरत, बुढ़ी औरत मेरे ऑफिस के बाहर, मुझे पता नहीं था, मैं नोटिस नहीं किया था उसको, पर मुझे एक दो दिन के बाद नोटिस हुआ शायद ये औरत रोज़ाना आ रही है. तो मैंने अपना वो बंदा जो पीए था उसका, उसको बताया कि बाहर कोई है. उन्होंने, हाँ सर वो मिलना चाह रही है. सर तुमने क्यों नहीं बोला मुझे, भेजो. तो अंदर आई, उसे बोला मेरे दो बेटे हैं, दोनों ने मुझे पता नहीं कैसे, मैं अनपढ़ हूँ, वो मकान जो मेरे हस्बैंड का था वो अपने नाम करा लिया, और अब क्योंकि मैं बुढ़ी हो गई हूँ उनकी वाइफ्स मेरे साथ रहने के लिए तैयार है नहीं, अब उन्होंने मुझे घर से धक्के निकाल कर बाहर कर दिया, मैं सड़क पर. अब आबिद सर टुक द मैटर इन हिज ओन हैंड्स, वो घर वापस उसको दिलाया, उसके दोनों बच्चों को दफा किया वहाँ से. दैट इज़ बींग एम्पथेटिक टू द पब्लिक. तो ये है एम्पथी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नंबर 8, रेजिलियंस. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिलियंस. नाउ पे अटेंशन. आज है 2023. मोस्ट ऑफ यू वुड बी स्टडिंग फॉर 2024-25 एंड सम ऑफ यू वुड नॉट बी एलिजिबल. तो वो 2026-27 का भी सोच रहे होंगे, बिकॉज कोई फर्स्ट ईयर में ही होगा. अभी है कोई फर्स्ट सेकेंड ईयर में, वही कॉलेज में ही, कॉलेज में. तो 26-27 उनका ये प्लान है. नाउ सी, आपने अगर आज प्रिपरेशन शुरू की 2023 में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ले लो, मुझसे ये बात ले लो, आप इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है. 2023 में आप शुरू करोगे, कम से कम अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कम से कम आपको 14 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे आईएएस की तैयारी करने में मिनिमम. अगर आप सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट हो, टॉपर ऑफ योर यूनिवर्सिटी, 14 महीने मिनिमम. मैक्सिमम इट कैन गो अराउंड 18-20 मंथ्स, लगभग 20 महीने, 14-20 महीने, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा है, अप्रोच कैसा है. ये तो हो गया सिलेबस कवर करने में, अपने आप को ऐसे राइटिंग में, आंसर राइटिंग में, प्रिलिम्स में, पीवाईक्यू करने में, सारी एनसीईआरटीज पढ़ने में, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में, नोट्स बनाने में, इसमें लगता है इतना टाइम. इसमें पॉसिबल ही नहीं आप उसको 6-8 महीने में, 10 महीने में कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है इसका. अब आपको लग गए लगभग 1.5 साल से, लगभग 2 साल मान लो, सिर्फ आईएएस की तैयारी करने में, कि अब मैं 2 साल के बाद तैयार हूं कि मैं एग्जाम में बैठूंगा. अब बैठोगे, पहले ही साल प्रिलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा आपका. एग्जाम्पल दे रहा हूं, या हो गया मेंस में गिर गए, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू में गिर गए, फिर से वही प्रोसेस अगले साल प्रीलिम्स का, फिर प्री नहीं होगा, फिर से 1 साल वेट करना है, पता ही नहीं कब सिलेक्शन होगा. इसके लिए तैयार रहना है, इसी को बोले रेजिलियंस. अब छोड़ो मत, लगते रहो, गिव वन अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, अंटिल आपके सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए या आपकी एज आ गई. मगर ऐसा भी नहीं करना कि आप 32 साल की उम्र में आपने सारा का सारा समय आईएएस में ही दिया और आपने 6 के 6 अटेम्प्ट खत्म किए, उसके बाद आप बोलेंगे अब मैं क्या करूंगा. डोंट डू दैट, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है. एक आईएएस ऑफिसर ना, जब भी एक स्ट्रेटेजिस्ट होता है, दिस इज ऑल ऑफ यू रिमेंबर द पर्सन हु कॉन्कर्ड जेरूसलम आफ्टर इट वॉज टेकन ओवर, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी. सलाहुद्दीन का कहा जाता है, जब वो किसी भी एक्सपेडिशन पे जाता था, किसी भी बैटल में जाता था, वो
एक स्ट्रेटजी लेकर नहीं जाता था, उसके पास 5 स्ट्रेटजीज होती थी। ये करेंगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं हुआ तो ऐसा होगा, अगर ये भी नहीं हुआ तो ये करेंगे, अगर ये भी नहीं होता। लुक व्हाट प्रॉफिट डिड। उन्होंने क्या किया, कुछ मुझे याद नहीं कौन सा बैटल था वो, उन्होंने कहा कि इस बैटल का जो अमीर है, जो झंडा लेकर होगा, वो जाफर सादिक होंगे शायद। अगर ये गुजर गए तो ये होगा, अगर ये शहीद हो गए तो ये होगा, ये भी तो ये होगा। पूरा लिस्ट दिया उन्होंने, तो 5 स्ट्रेटजीज दे दी उन्होंने। मैं सिर्फ आईएएस की जब प्रिपरेशन करता हूँ, मैं सिर्फ आईएएस की प्रिपरेशन नहीं करता, साथ में मेरा मास्टर्स भी चल रहा है, इग्नो से मेरा मास्टर्स भी चल रहा है। वहाँ से मैं कुछ उधर इधर और जॉब्स करके 5-10 हज़ार कमा ही रहा हूँ, वो भी होना चाहिए साथ में। ये नहीं कि 32 साल की उम्र में फिर बुरे मैंने कुछ किया ही नहीं, वन क्या कर बिकॉज वन इतना एज होगी कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। डोंट डू दैट। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जितने प्लान रख सकते हो सब रखो। घर पे दुकान है उसको छोड़ो मत, बाप का महीने में हफ्ता दे ही दो उस दुकान पे, टच में रहो सबके। वो माल खरीद रहा है, पता करो कहाँ से माल खरीद रहा है। एक आईएएस ऑफिसर 10 स्ट्रेटजीज लेकर आगे बढ़ता है, नहीं कि मैं किताबें ही पढ़ूंगा, बस सिर्फ किताबें पढ़ूंगा। नो, डोंट डू दैट। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बिकॉज इसमें 99.9% फेल हो जाएंगे। यू नीड टू बी अवेयर कि मैं जाऊंगा इसमें, साथ में मेरे पास ऑप्शंस होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, और नहीं हो गया तो ये करेंगे, नहीं हो गया तो ये करेंगे, है मेरे पास ऑप्शंस। इफ यू डोंट हैव ऑप्शंस, लेट अस टॉक टू मी, मेरे पास हो, आई विल गेट अ बैकग्राउंड चेक कि आप क्या है, उसके बाद मे बी आई कैन थिंक ऑफ समथिंग कि आप क्या कर सकते हैं। देयर आर पीपल जो भी प्रिपरेशन में है, ऐसे अभी हमारे 3 फैकल्टी मेंबर्स है जिनने मिनिमम 3 इंटरव्यू दिए हैं, 1 यूपीएससी का इंटरव्यू, 3 आपके केएस के इंटरव्यूज दिए हैं, अभी स्टिल प्रिपरेशन में है। दे आर दिस क्लोज, 5 मार्क्स 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है, दिस क्लोज टू गेटिंग सिलेक्टेड। इसमें से एक सिलेक्ट हो गया परसों, दिस क्लोज टू गेटिंग सिलेक्टेड, बट दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर सम सोर्स ऑफ इनकम, फैकल्टी के जरिए, पढ़ाने के जरिए, आंसर चेकिंग के जरिए। अभी हमने मेंस टेस्ट सीरीज शुरू करना है। हेलो, वालेकुम सलाम। बस और रुपा तू कर जो तु, आंटी तू कर जो जगंड के साथ फोन छा, ठीक। तो अभी मेंस टेस्ट सीरीज शुरू किया, उसमें 3 हमने शॉर्टलिस्ट किए जो आप इवैल्यूएशन करेंगे। तीनों ने मिनिमम 2 इंटरव्यू दिए हैं केएस के, पर दे आर लाइक इन टू दिस स्टफ, कॉपी चेक करना, आंसर की इवैल्यूएशन कराना, टेस्ट सीरीज बनाना, फैकल्टी का जॉब है। तो जस्ट लुक फॉर समथिंग जिससे आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सके, बट आफ्टर यू गिव फुल फ्लेज 2 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, आफ्टर दैट। अभी से नहीं, अभी तो किया ही नहीं आपने कुछ। अभी अगर आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, आप में इतनी सलाहियत भी नहीं है कि आप एक आंसर चेक कर सकें, तो डेवलप दैट फर्स्ट। उसमें 2 साल लगेंगे, 2 साल दो, उसके बाद एक अटेम्प्ट, एक अच्छा पहला अटेम्प्ट, बिल्कुल फुल फोर्स के साथ पहला अटेम्प्ट, फिर देन स्टार्ट लुकिंग फॉर प्लान बी, स्टार्ट लुकिंग फॉर प्लान सी। मास्टर्स में एडमिशन करके रखो, इग्नो में, इग्नो में चल रहा है, जहाँ जहाँ 2 साल में प्रिपरेशन होगी, 2 साल में मास्टर तैयार होना चाहिए आपका वहाँ से, जो भी सब्जेक्ट, समझ रहे हैं। तो इसमें ये होना चाहिए, रेजिलियंस है, बिकॉज इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। एंड हैव प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई। जैसे मैंने बड़ा एक अखबार में पढ़ा, मैंने एक जर्नलिस्ट, मैं बड़ा इंस्पायर हो गया उस चीज़ से। एक जर्नलिस्ट कह रहा है, जब इमरान खान को जेल में भरा ना, इमरान खान पता है, उसको जेल में भरा, उसको बोला कि, उसने, जर्नलिस्ट बोल रहा है कि इमरान खान को जेल भरने से पहले मैं जमान पाक गया जहां वो रहता है, उससे पूछने के लिए, उसको बोलने के लिए कि ऐसा हवा बनाई जा रही है, आपको शायद बंद कर देंगे। उसने मुझे रिटर्न में क्या बोला, इमरान खान ने उस जर्नलिस्ट को बोला, सबसे पहले मुझे, मुझ पर केसेस करेंगे, उसके बाद मुझे जेल में भरेंगे, उसके बाद मेरी पार्टी, उसका पार्टी का नाम है पीटीआई, मेरी पार्टी को तोड़ेंगे, उसके बाद नवाज शरीफ वापस आएगा लंदन से, उसके बाद इलेक्शन होगा मेरे बगैर, उसके बाद मैं इलेक्शन जीतूंगा। ये इमरान खान ने उस जर्नलिस्ट को बोला है, पहले ही से पता है। तो इंसान स्मार्ट होना चाहिए, आपको पहले से पता है भाई, 99.9% चांस है। बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। आई विल हैव सम अदर स्ट्रेटजीज, ये होगा तो विल डू समथिंग एल्स।
So that is being resilient because it is a big long journey. Uske baad number 9, what we require is time management. ये याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ ना इधर, टाइम मैनेजमेंट. 2 महीने हो जाएंगे आप अंदर आएंगे हमारे पास, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है. आप सब लोग कभी ना कभी आएंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद टाइम मैनेज नहीं हो रहा है. ये सबको प्रॉब्लम होता है. बिकॉज जब आप शुरू करोगे, अभी आप कल भी हमारा ओरिएंटेशन होगा, परसों से आपका पहला क्लास शुरू होगा, मैं 2 कंपोनेंट्स स्टार्ट से ही शुरू हो जाएंगे आपको. तो मैं पहले ही बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको, आपको स्टार्ट से पहले पहले बड़े फोर्स में हो आप, बड़े एनर्जेटिक. ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं सर क्या बोल रहा है, इंटरनलाइज कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, दूसरा टीचर क्या बोल रहा है, दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. कुछ टाइम हो जाएगा, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आएगा, दोनों में से एक खत्म होगा तो तीसरा आ जाएगा. उसके बाद आपको एक काम बढ़ गया कि पुराना जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, तो रिवीजन का एक स्लॉट. फिर चौथा सब्जेक्ट आएगा तो 2 रिवीजन के स्लॉट. पांचवा सब्जेक्ट आएगा तो 3 रिवीजन के स्लॉट. उसके बाद ऑप्शनल आएगा तो 6ठा स्लॉट बनाना पड़ेगा. उसके बाद आपको टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा. तो टाइम मैनेजमेंट अभी से है आपको, कम से कम इस वक्त शुरू में आपको 7 घंटे की अच्छी नींद करनी है. उसके बाद आपके पास जो समय है वो सारा स्टडीज में जाना चाहिए, एवरीथिंग. और स्टडीज़ को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, कश्मीर में मैं ऐसा रिकमेंडेशन देता हूँ कि अपनी स्टडीज़ के स्लॉट्स नमाजों के हिसाब से रखो, ठीक है. फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, उस तरीके से रेगुलर स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है. तो उसका जो भी हम आपको बना के भी दे सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हो. तो बेहतर रहेगा 1 घंटा पहले फजर से उठना और शाम को 10:30-11 बजे सो जाना. रात को वात को नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये नहीं है नीट का कि 6 महीने पढ़कर एग्ज़ाम देना है. इसमें 2-3 साल पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा. रात को बैठोगे ऐसे ही आपको डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कल को फिर यू नो शादी भी नहीं कर पाओगे. तो ये है थोड़ा बी रेजिलियंट. लंबा खींचेगा ये तो अपना ज़िंदगी इस तर्ज पर ले लो आप. इसमें कुछ गलत है अगर आप ऐसे बनाओगे, नमाजों के हिसाब से, फजर के हिसाब से एक ज़िंदगी का तर्ज बना लो आप. ये तर्ज फिर उसके बाद भी चलेगा, सिलेक्शन के बाद भी चलेगा. तो ये टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छा शेड्यूल जिसमें आप अभी से 7 घंटे की स्लीप के बगैर सब कुछ पढ़ाई में देना है, सब कुछ. इसमें 6 घंटा 8 घंटा नॉट नेसेसरी फॉर यू. जो जॉब में है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मिनिमम इतना तो दे दो तुम, मगर जो कुछ निठल्ला है, कुछ नहीं कर रहा, 7 घंटे सो जाओ, बाकी सब कुछ दे दो. इसमें सोचो भी सिवाय नमाज के बगैर, उसमें भी नहीं सोचना कि मुझे क्या क्या करना है इसके बाद. ऐसा होता है जैसे पता नहीं लड़कियों ने नहीं सुना होगा, लड़कों को पता होता ही. एक बार एक मस्जिद में गए तो नमाज पढ़ने गए, जोहर की नमाज ही, कितनी रकात होती है, 4. अब जब पढ़ रहे हैं मौली साहब ने सलाम फेरी तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गया, शायद हमने 3 ही पढ़ी या 4 पढ़ी कि पता नहीं क्या हुआ. एक बंदा उठा, उसने कहा कि मौली साहब ने 3 ही रकातें पढ़ी है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ. तो दूसरा उठा, नहीं नहीं बराबर 4 पढ़ी है. तो भाई मेरे पास प्रूफ है, 3 ही पढ़ी. बोला 2 प्रूफ. बोला मेरे 4 दुकान है, मैं हर रकात में 1 दुकान का हिसाब करता हूँ. अभी मेरे 3 ही दुकान का हिसाब हुआ था, नमाज ख़त्म हो गई, चौथा हिसाब भी बाकी है, तो 4थी रकात भी बाकी है. तो ऐसा डोंट डू दैट. तो हैव सम मेडिटेशन का टाइम, नो जिक्र विक्र का टाइम होना चाहिए बीच में, उससे थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है. उसके बाद वापस अपनी जगह. नंबर 10, कंटिन्यूस लर्निंग. देखो अब ये है हक बर हक. आपको मत लगेगा कि ये अब जो आप शुरू करोगे ये कभी खत्म होगा, इसका कोई कभी भी एंड नहीं है. अब सिविल सर्विस में जो बंदा घुस गया उसको मरते दम तक पढ़ना है, जब तक वो कब्र में घुसेगा कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंटिन्यूस लर्निंग, इट्स नॉट गोइंग टू एंड. और आपकी फिर पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है, आपको मजा नहीं आएगा उसके बगैर. जैसे आपको पता है कि अखबार है ना, अखबार अभी आप शुरू करोगे किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए. अखबार आपकी 6 महीने आप पढ़ो, ये गजा बनेगी आपकी, आपको नींद ही नहीं आएगी उसके बगैर. ऐसे मेरे साथ ऐसा हो गया अब कि मैं जब मैं उठूंगा, आई स्वेयर टू गॉड आई एम टेलिंग यू दिस, अगर मैंने 2 दिन न्यूज़ छोड़ी मुझे लगेगा मेरे साथ कुछ गलत हो गया है ज़िंदगी में. ऐसा मेरे को अंदर से कुछ होने लगता है, मेरे को स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, मैं सबकी बाण बजा दूंगा, उतना गुस्सा होता है मुझे.
मेरे को 2 दिन, मैं 2 दिन के बगैर, न्यूज़ के बगैर नहीं जी सकता। मैं पहला काम उठूंगा फजर के पहले ही, पहले मैं सारी न्यूज़ चेक करूंगा कि दुनिया भर में क्या हुआ। रात में ही गाज़ा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ईरान हो गया, मुझे पता होनी चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 8 साल से ये कर रहा हूँ, अब मेरा तर्ज बन गया ज़िंदगी का, ये ज़िंदगी भर अब ऐसे ही चलेगा। मेरे को माँ बोलती रहती है, क्या करूँ अफगानिस्तान में क्या कर, मगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे जानना है। IR इज माई लाइक फेवरेट फुटेज, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। आप IAS भी बनोगे, KS भी बनोगे, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप। कल को फिर से पढ़ना है, फिर ट्रेनिंग में पढ़ना है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है, फिर अपने जॉब के बारे में पढ़ना है, फिर जहाँ ट्रांसफर हो गए फिर उसके बारे में, ये सिस्टम चलता रहेगा। तभी आपका एक उरूज होगा, पर्सनैलिटी का उरूज होगा, इर्तिका होगा। तो यह है सिस्टम कंटिन्यूअस लर्निंग का, तो इट्स नॉट गोइंग टू एंड। सो डोंट थिंक लाइक 2 साल की प्रिपरेशन फिर खत्म, देयर इज नो खत्म इन दिस, इट इज अनएंडिंग प्रोसेस। अखबार आप पढ़ रहे हैं अभी, शुरू शुरू में आपको 4 घंटे लगेंगे अखबार पढ़ने में, धीरे 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 यू हैव टू गेट इट डाउन टू 60-70 मिनट्स। तो वो धीरे धीरे आता है, रिफाइनमेंट से आता है, पर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा। नंबर 11, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। देर इज अ गर्ल, शीजान नाम है उसका, लास्ट ईयर शी क्वालिफाइड KS। शी टोल्ड मी कि उसने घर पे नहीं बोला है, बिकॉज शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स, एंड उसके बाप ने जितना, फादर ने जितना हेल्प करना था फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट किया लड़की को, या कि यहाँ पर जैसे जल्दी शादी करने का रिवाज है तो उसको रोका, उसको मतलब लोगों की बातें सुनी, बेटी को सपोर्ट किया, नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन, पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, एफर्ट भी लगाया, नहीं हो रहा। उसके बाद लास्ट ईयर उसका हो गया, आई इन्वाइटेड हर टू कम हियर। उसने मुझे कहा, सर रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बच्चों को कम से कम ये इमोशन वाली चीज़ बता देना कि इसमें कितना इमोशनल टर्मोइल होता है, और जब आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें वक्त आएगा व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ज़िंदगी में, मेरे बाप ने पैसे लगाए इसमें, 1,00,000 रुपये लगाए, यहाँ रहने में 1,00,000 रुपये लग गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को मैं कहीं मुझे दिख नहीं रहा कोई रास्ता। ये होगा, ये वक्त आएगा आपको। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही 8-10 महीने की प्रिपरेशन में कर लेते हैं, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लाइक अ ग्रेन इन द एंटायर डेजर्ट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 6-8 महीने 10 महीने प्रिपेयर करके उनका KS में होगा, IAS में तो नहीं होगा, KS में हो जाता है, उधर उधर से करके NCERT भी नहीं पढ़ रहे हैं। लाइक आपने सबने सुना कि NCERT पढ़नी है ना, बहुत सारे क्वालिफायर्स इस साल के, जैसे रैंक 5 है, पिछले 2018 का रैंक 2 है, उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट इवन स्टडीड NCERT, सीधे हो गया हमारा। तो होते ये बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकियों का प्रोसेस काफ़ी लंबा खींचता है। इसमें वक्त ऐसा आता है कि जब आपको घर के तरीके से प्रेशर होगा, कलीग्स की तरफ से प्रेशर होगा, किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं हो रहा, तो क्राइसिस मैनेजमेंट इमोशनल स्टेबिलिटी, इट विल ओनली बी गिवन टू यू व्हेन यू रियली बिलीव इन द वर्च्यू ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। बिलीव, यू हैव टू बिलीव कि आप जो कर रहे हैं, दिस इज नॉट दिस, देखो स्मार्टनेस क्या है। स्मार्टनेस ये है कि एक इंसान जो पागल है वो ऐसा सोचेगा कि मुझे 2 साल तैयारी करनी है, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, NCERT पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बुक खुल्लर पढ़ रहा है, यहाँ से माजिद हुसैन पढ़ रहा है, GC लियोंग पढ़ रहा है, स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, विपिन चंद्र पढ़ रहा है, अलग अलग किताबें पढ़ रहा है, दुनियाई उलूम हासिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जॉब चाहिए। अब ये इंसान मेरी नज़र में पागल है, क्योंकि स्मार्ट इंसान वो है जो 2 साल जो तैयारी करेगा, जो विपिन चंद्र पढ़ रहा है लेकिन उसको आखिरत का काम बना रहा है। कैसे? बिकॉज उसकी नीयत दुरुस्त है कि भाई मैं ये रिग्रस ट्रेनिंग जो कर रहा हूँ, मेरा काम ये है कि मुझे लोगों की भलाई करनी है, ये सारा जो काम होगा उसका ये इबादत में कंसिडर हो जाएगा उसको, सारा काम, सारी मेहनत, रात को जागना, ये सारा टर्मोइल वगैरह, ये सब कुछ अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, वो जो उसको पसंद है, आप देखोगे सारा काम आपको डीड्स में कंसिडर किया जाएगा। तो हैव दिस वर्च्यू, बिलीव इन वॉट यू आर डूइंग, ट्रूली बिलीव इन वॉट यू हैव टू डू, नीयत दुरुस्त रखो, उसके बाद मेहनत करो, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आई है, बिकॉज यू हैव टू बिलीव कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और दैट बिलीव हैज़ टू बी बियॉन्ड योर ओन सेल्फ्स, अपनी हैसियत से थोड़ा बड़ा बिलीफ रखना है।
अपनी हैसियत से बड़ी नजर रखनी है। डोंट बी सेल्फ सेंट्रिक कि मुझे ये मैं अपनी जिंदगी से निकालो। बी लाइक आउटवर्ड ओरिएंटेड। आप सेल्फ सेंट्रिक की जगह दूसरों का सोचेंगे तब आप अपनी हैसियत से बड़ा सोच रहे हैं, फिर आपको अपने इमोशंस याद भी नहीं रहेंगे। अगर आप अपनी हैसियत से बड़ा, जो लीडर होता है ना, जो बड़ा लीडर होता है, वो नहीं सोचता कि मुझे ऐसा फील हो रहा है आज, मुझे ये दिल में थोड़ा तकलीफ हो रही है, ये सब नहीं सोचते। वो अपनी हैसियत से बईद होते हैं। अपने को क्या हो रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ता, उनका इम्पैक्ट होता है कि मैं सुबह उठूँगा शाम तक ये काम करना है, वरना लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बी गो बियॉन्ड योर ओन सेल्फ, अपनी हैसियत से ऊंचा। और बारहवा जो आखिरी है वो है जो आप सबको जिससे डर लगेगा, इसीलिए मैंने इसको आखिर में रखा। ट्वेल्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेमोराइजेशन। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आईएएस केएएस में मेमोराइज नहीं करना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। यू हैव टू मेमोराइज। मेमोराइजेशन स्किल डेवलप करी जा सकती है। आप सबको 90% लोगों को प्रॉब्लम होगा, हमें याद नहीं रहता है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी ही प्रॉब्लम है। 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 10 लाख लोगों को यही प्रॉब्लम होगा कि हमें याद नहीं रहता है। याद किसी को नहीं रहता है, उसका तरीका होता है कि याद करना कैसे है। जिन लोगों को याद रहता है वो तरीका फॉलो करते हैं, जिनको नहीं रहता वो निठल्ले होते हैं, वो नहीं करते, उनको नहीं याद रहेगा फिर। तो मेमोराइजेशन करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। खासकर मेंस में जब आप आंसर लिखने जाते हैं, आपको सवाल आ गया, लेट सपोज आपको क्वेश्चन आया गांधारा आर्ट पे, तो गांधारा आर्ट जब पता नहीं आपको, जब आपने उसके 5 पॉइंट याद नहीं किए, आप क्या लिखोगे 250 वर्ड का आंसर? आपको याद होना चाहिए, ज़बानी याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही बराबर कॉपी करना है, नहीं, कम से कम डायमेंशन पता होने चाहिए। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 0.5 डाल दिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, जीके में आर्टिकल पार्टिकल लिखता हूँ, मैं उधर आंसर लिख लूँगा, ऐसा नहीं होता है। सोच कर उधर आंसर लिखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू राइट, बिकॉज उन्होंने ऐसा पेपर डाला है, वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट चेक करना चाहते हैं। कैसे? बिकॉज आपका जो पेपर है वो है 250 मार्क्स का। ये 250 मार्क्स का जो शुरू शुरू में पेपर होगा आपको, दोपहर में, सुबह में, सुबह आपका पेपर होगा GS1 का। कितने मार्क्स? 250 मार्क्स। कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन, इधर आंसर, आंसर की स्पेस दी है, इसी जगह में डालना है, कंटिन्यूशन सीट का सिस्टम नहीं है इसमें। जगह दी है, वक्त भी दिया है, इस वक्त में, इस जगह में आंसर लिखना है। बड़ा आंसर लिखोगे उधर जगह ही नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी जगह। तीसरा क्वेश्चन, तीसरी जगह। कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। आपको पर क्वेश्चन कितने मिनट मिलते हैं? 9 मिनट। 9 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। और आमतौर पर क्वेश्चन जो होता है यूपीएससी का, वो ऐसा नहीं होता है कि व्हाट वाज क्रिप्स मिशन, इसको मतलब L1 क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो क्रिप्स मिशन को लिंक करेंगे किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, फिर बोलेंगे उसका इंपैक्ट बताओ क्या हुआ। उसमें कम से कम 3 डायमेंशन होते हैं, तो आपको क्वेश्चन समझने में ही पहले मिनट लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको सोचना है भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखूं, बॉडी कैसे लिखूं, कंक्लूजन कैसे लिखूं, कैसा आंसर मैं अपना ड्राफ्ट करूं उसको। अगर आपको लगता है आप ये उधर पे करोगे सोचकर, आपको 15 मिनट लगेंगे एक आंसर लिखने में। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में ऐसे करते जाओगे, आधा पेपर अनअटेम्प्टेड रहेगा आपका, उधर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्वेश्चन देखा, आंसर शुरू, वो क्या बनेगा वो पहले से याद होना चाहिए, तभी जाके मेंस क्वालिफाई होता है। 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके 20 में से सिर्फ 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और आपने वो बड़े ही अच्छे टॉप क्लास लिखे, ये मान लो आप रेस से बाहर। 20 में से 20 लिखने हैं, आते हैं नहीं आते हैं फिर भी लिखने हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा बाद में, जब आंसर राइटिंग का सेशन होगा आपका, कि वो आंसर कैसे करना है उस क्वेश्चन का, जो आपको, जिसका क्वेश्चन का कंटेंट ही नहीं है, वो भी कर सकते हैं हम। उसके लिए कुछ हमारे पास आंसर राइटिंग स्किल्स होते हैं कि डायमेंशन क्रिएट कैसे करते हैं। मगर ये है कि 20 के 20 करने हैं बराबर। अनुदीप ने कहा था ये,
अनुदीप ने कहा मैंने पहले चार अटेम्प्ट में जब उसका क्वालिफाई नहीं हुआ मेंस में मैं क्या करता था, मेरे को बहुत अच्छे से 12 क्वेश्चन आते थे 20 में से, और 3-4 क्वेश्चन में अच्छे से करता था, 16 क्वेश्चन में मैं अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड आंसर लिखता था, क्वालिटी स्टैंडर्ड आंसर, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, 20 में से 16 लिख रहा है, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन से बाहर, दूसरे में सिलेक्शन से बाहर, तीसरे में बाहर, चौथे में बाहर, फिर किसी ने उसको बोला 16 नहीं बराबर 20 लिखो चाहे उसकी क्वालिटी कम ही क्यों ना हो। पांचवें अटेम्प्ट में उसने 20 में से 20 किए स्टैंडर्ड सॉरी नॉर्मल क्वालिटी के हिसाब से, ऑल इंडिया रैंक 1 बना हुआ, सीधा रैंक 1। अनुदीप दुरुशेट्टी इज केस स्टडी है वो, उसके बारे में पढ़ना हो तो ये 20 के 20 लिखना है, और 20 के 20 जब लिखेंगे तो आपको सोचने का टाइम, मैंने जब मेंस लिखा अपना वो यूपीएससी में क्या होता है कि आपको इतने डायमेंशन होते हैं, आपको पहले चेक करना है भाई इसकी सेंट्रल थीम क्या है, एक सवाल किस पर है, क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्ट होंगे, पहले सोचना है कि किस थीम पर असल क्वेश्चन है, सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल थीम जो होगी उसी पर हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पहला डायमेंशन को अनसर्कल करेंगे उसके 3 पॉइंट, दूसरा डायमेंशन उसके 3 पॉइंट, तीसरा डायमेंशन उसके 3 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। ये इतना फास्ट करना होता है कि जब मैं 17वें या 18वें क्वेश्चन पे पहुंचा मैंने सीधे, मुझे इधर पेन हुआ, मुझे ऐसे मैंने पकड़ा और मैं ऐसे लिख रहा था, इतना टाइम ही नहीं मिलता है। जब आप कंक्लूजन लिख रहे होते हो एक क्वेश्चन का, उतनी ही देर में दूसरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, यह क्राइसिस मैनेजमेंट। वो ऐसे दंदर लिखोगे, अभी मैं जब कल को डिक्टेट होगा बड़े ही कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हैं आप, बड़े अच्छे, ये नहीं कर पाएंगे फिर आप, तेज, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम है, ये आप कैसे कर पाओगे जब आपको पहले से याद होगा, उधर सोच कर आंसर नहीं लिखा जा सकता है, पहले से पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन के, आपके पास दर्जनों बनाए हुए इंट्रोडक्शन होने चाहिए, दर्जनों बनाए हुए कंक्लूजन पहले से याद होने चाहिए। टॉपर्स की जब आप टेलीग्राम पे जाओगे ना, वो अपने नोट्स शेयर करते हैं, बताते हैं हमने इन थीम्स पर ये कंक्लूजन पहले से बनाए थे, हमने इन थीम्स पर ये इंट्रोडक्शन पहले से बनाए थे, जमा करके पहले से ही रखे थे, ऐसे में एनेक्डोट्स जमा करके पहले से ही रखे थे, तब जाके हम उधर वो छपा कर आ गए और हमें सिलेक्शन हो गया। अब वो याद कैसे करना, उसके लिए मेमोराइजेशन के स्किल्स होते हैं कुछ, तो मैं ये मेमोराइजेशन का मामला ही आज खत्म कर लेता हूँ कि याद कैसे होता है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ जाए कल को कि सर याद नहीं हो रहा। मेमोराइजेशन के ये 12वां रूल है आपका कि कौन सा स्किल सेट रिक्वायर्ड है फॉर सिविल सर्विसेज, और मेमोराइजेशन से जब हम अंदर जाएंगे इसके अलग 12 टेक्निक्स है, अलग 12 टेक्निक्स, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हाउ यू कैन मेमोराइज। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल सबसे टॉप पर आता है। आपके पास एक किताब है हिस्ट्री की, जैसे सब लोग पढ़ते हैं, जो आपकी बिपिन चंद्र है एनसीईआरटी पुरानी, और फिर अगर आपको मेंस लिखना है तो फिर उसके लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो वो किताबें कौन सी है वो छोटा मसला है, उसमें आप घबराना नहीं कि किताबें कौन सी लानी है, वो आप कोई किताब नहीं लानी फिलहाल आपको। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा सिविल सर्विसेज में, अपार्ट फ्रॉम कि आपके पास एक लैपटॉप हो, सारा कुछ मुफ्त में मैं दिला दूंगा आपको, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, सबसे पहले आपने किताब पढ़ी है, अब किताब जब पढ़ते हैं उस किताब को आपने पढ़ लिया समझ लिया, अब आपको पता है भाई ये याद नहीं रहेगा, तो याद कैसे करना है, एक्टिव रिकॉल हो गया, किताब पढ़ने के बाद उस किताब को बंद किया, आंखें बंद की और अपने दिमाग में उसके पॉइंट्स आपने इमेजिन किए, दैट इज एक्टिव रिकॉल, कि आपको रिकॉल करना है विदाउट नोट्स या विदाउट नोट्स और विदाउट बुक। ये पता है कौन करते हैं, जो हाफिज होते हैं ना कुरान के, वो एक्टिव रिकॉल करते हैं, उनने जब एक सूरा याद किया आंखें बंद करेंगे फिर सूरे की सारी आयतें अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं जब भी कोई किरत करता है ना, मोस्टली जो किरत करते हैं आंखें बंद करके करते हैं, वाई, बिकॉज उनको आंखों के सामने आयतें आती है जो उन्होंने प्रिपरेशन के टाइम रिकॉल किया था, इनग्रेन हो जाता है दिमाग में,
तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा किताब बंद, रिकॉल पॉइंट वाइज उसे याद रहेगा। दूसरा फ्लैश कार्ड्स। आपने देखा है किसी आईएस वाईएस का कमरा, छोटे छोटे दीवार पे वो ऐसे फ्लैश कार्ड्स रखे होते हैं, है ना, छोटे छोटे। वो क्या होता है पता है? बताओ। लैला मजनू के कोट्स, वही होता है। फिर क्या होता है? इंपॉर्टेंट नोट्स होता है। डेटा क्या होता है? डेटा। बिकॉज सबसे मुश्किल क्या याद करना है? डेटा। भाई मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, कितना परसेंट है? कोल प्रोडक्शन कितना है, कितने मेगावाट एनर्जी बना रहे हैं हम, कितना हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे ज़्यादा मेगावाट कैपेसिटी किसकी है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, 3 स्टेज रिएक्टर में पहला स्टेज फ्यूल कौन सा है, 2nd स्टेज फ्यूल कौन सा है, 3rd स्टेज फ्यूल कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, वो सब कुछ जो आपको याद नहीं रहता है जनरली, आपको लगेगा ये भाई ये कैसे याद रखूँ मैं, उसका एक फ्लैश कार्ड बनाकर दीवार पे चिपकाओ। और सुबह जब आप उठेंगे और प्रिपरेशन शुरू करेंगे, रोज़ाना सुबह उसके सामने ऐसे 5 मिनट बैठकर उसको देखना है, डेली आपको ये करना है। आपको 1 महीने में वो सारा डेटा याद हो जाएगा। बस आपको रोज़ाना सुबह उठकर उस डेटा को पढ़ना है, फिर अपना काम करना है, अगले सुबह फिर से डेटा को पढ़ना है, फिर अपना काम करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको वो ऐसा याद रहेगा, आपको भूलेगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में, अनलेस कि वो डेटा ही चेंज हो जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है, तो डेटा चेंज हो गया, उसको नया फ्लैश कार्ड बनाना है, समझ गए? तो रोज़ाना जो भी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज चीज़ें हैं, उसको आप फ्लैश कार्ड बना के दीवार पर चिपका, रोज़ाना सुबह देखा बस उसको। अगर मेरा कमरा देखेंगे, वहाँ पर एक दीवार है जिसमें सिर्फ फ्लैश कार्ड ही है, वो मैंने प्रिपरेशन के टाइम किया था, अभी तक मुझे मन नहीं कर रहा उसको काटने का, काट दूंगा मैं गर्म। तीसरा निमोनिक्स। निमोनिक तो सबको ही पता होगा, है ना? निमोनिक हो गया कोई ऐसा फनी सा चीज बनाना, कोई लाइन वाइन बनाना जिससे हम किसी चीज को याद कर सके। जैसे हमारे पास वो होता है विटामिन्स। विटामिन आपके पास 2 किस्म के होते हैं। एक विटामिन होता है आपका कीड़ा विटामिन्स, विटामिन ए डी ई एन के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दूसरा होता है आपके पास विटामिन वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में 2 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन सी कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या है? B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 and 12। अब ये B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैसे याद रखे इसको? इसके लिए एक निमोनिक है, द रोनाल्डो एंड पिले कुछ प्लेइंग फुटबॉल ऐसा कुछ, थायामीन राइबोफ्लाविन नियासिन पेंटाथिनिक एसिड, ऐसे करते करते आपको सारा याद हो जाएगा। तो ये बनाना पड़ता है खुद से नहीं बना तो ChatGPT इस्तेमाल कर लो, उसको बताओ कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का निमोनिक बना के दे दो, 5 मिनट में 1 सेकंड में दे देगा वो निमोनिक। कैसा भी वो फजूल ही होता है पर काम चल जाता है। तो जो भी मुश्किल याद है करना उसको GPT में डालकर उसको बताना इसका निमोनिक बना कर दो, वो निमोनिक बना कर देगा, उसी एक फ्रेज से आपको पूरा याद हो जाएगा। तो निमोनिक याद करना है। उसके बाद माइंड मैप्स। माइंड मैप्स व्हाट इज माइंड मैप? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सिंपल, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है पेन और पेपर हाथ में लो, उस कॉन्सेप्ट को जो भी आपने पढ़ लिया उस कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट्स में डालो। ऐसे पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, पांचवा स्टेप ये, डब्बे वब्बे में अच्छे से कलर वलर करके ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी, वो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ये आप याद करो, ये याद करना बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि विजुअल मेमोरी हमारी काफ़ी देर तक रहती है। तो आपने जो भी पढ़ा अगर वो याद नहीं रहा, जैसे टाइमलाइन ऑफ इवेंट एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी मुश्किल हो जाता है याद करना, पहले कौन आया, मौर्यन, फिर
गुप्ता कब आए, फिर वो सीक्वेंस याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एंशंट से लेकर मॉडर्न तक जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसका एक माइंड मैप बनाओ। तो आपको वो माइंड मैप बनाना है, उसमें एक एक पॉइंट ऐड करो, या वाइस रॉयज पे कौन कौन सा वाइस रॉय आया वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वाइस रॉयज का एक पूरा एक माइंड मैप बनाओ, ऐसे चार्ट बनाओ उसका, ठीक है। गवर्नर जनरल का माइंड मैप बनाओ, तो जो भी आपको लग रहा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसकी पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसका एक माइंड मैप तैयार करो आप। फिर वो माइंड मैप याद करना आराम इजीली हो जाता है, उसको भी चिपका लेना, उसको भी रोज़ाना देखकर किया जा सकता है याद। उसके बाद होता है स्पेस रेपिटेशन, स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन आपको क्या देगा, ये आपको देगा लॉन्ग टर्म रिटेंशन, लॉन्ग टर्म रिटेंशन, लॉन्ग टर्म रिटेंशन। लॉन्ग टर्म रिटेंशन मतलब लंबे समय तक याद रहेगा। नाउ सी स्पेस रेपिटेशन मतलब क्या, आज आपने एक चीज पढ़ी, आज जो आपने चीज पढ़ी घर पे जाके एक बार उसको फिर से पढ़ लिया, तो क्लास में जो सर ने पढ़ाया नोट आपने कर लिया, घर पे आपने एक बार फिर से पढ़ा उसको तो रिवाइज हो गया। अब इंसान को लगता है कि मैंने क्योंकि कल का लेक्चर रिवाइज कर लिया है अब फिर से मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, दो तीन महीनों में आप सब लोग भूल जाओगे। वो जैसे हमने एक बैच शुरू किया था इसी साल, तो उनका हमने इकोनॉमिक्स से शुरू किया, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है यूपीएससी में, थोड़ा डिफिकल्ट कंपोनेंट है, तो इकोनॉमिक्स से मैंने पढ़ा उनको, लगभग हमें दो ढाई महीने लगे इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने में, रोज़ाना तीन तीन घंटे के क्लासेस होते थे, इतना कंटेंट जमा हो गया, रोज़ाना वो याद भी करते थे और हर टॉपिक जब ख़त्म होता था टेस्ट भी होते थे तो सब याद होता था उनको। इकोनॉमी ख़त्म हुआ, मैं छः महीने के बाद उस क्लास में फिर से गया, उनको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था तब सब याद था क्योंकि फ्रेश होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए आपको क्या करना है, स्पेस रेपिटेशन। आज जो चीज़ पढ़ी उसको तीन दिन के बाद फिर से पढ़ना है, फिर सात दिन के बाद फिर से पढ़ना है, फिर 21 दिन के बाद फिर से पढ़ना है, फिर दो महीने के बाद फिर से पढ़ना है। ये स्पेस रेपिटेशन आप करो, इट विल बी, यू विल रिमेंबर इट लाइक एनीथिंग। उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद है आपके पास फेनमैन टेक्निक, फेनमैन टेक्निक, फेनमैन टेक्निक। यू नो फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। फेनमैन ने कहा है, ये खुद मैंने उसका इंटरव्यू सुना, उसको बोला गया आपको इतना याद कैसे रहता है, फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें याद करने की। इनफैक्ट फेनमैन इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि फेनमैन ने एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर के बिना पर एक पूरा फील्ड डेवलप हो गया जिसको हम आज नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी फेनमैन की एक लेक्चर की देन है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है। इसने उस लेक्चर का जो हेडिंग रखा था दैट वाज देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। आपको आवाज़ आ रही है, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। उसने कहा आप क्या देखते हो ये आसमानों की तरफ, आप अंदर जाओ, बॉटम यानी एटॉमिक लेवल पर जाओ। आप जब नैनो स्केल पे पहुंचते हो 10^-9, आपको इतनी जगह मिलती है काम करने की, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। उसी को आज हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज कैंसर का इलाज निकला है नैनो टेक्नोलॉजी से। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो फैब्रिक बनाते हैं, ऐसा कपड़ा बनाते हैं ना उसमें रिंकल पड़ता है, ना उसमें स्टेन आता है, ना उसमें बदबू आती है, कुछ भी नहीं। आप पूरा मिट्टी का जग उठाकर आप व्हाइट शर्ट पर डालो, कुछ भी नहीं पकड़ेगी वो, सारा फेंक देगी। ऐसे हमारे पास नैनो फैब्रिक से जैकेट, आज हमारे पास मैजिकल जैकेट्स है नैनो पार्टिकल्स की। जैकेट जैसे ये जैकेट है, ये जैकेट को छेद करो आप, बीच में काट दो, उसके बाद इस जैकेट को पकड़ के ऐसे करो, ये फिर से ठीक हो जाएगा। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये रियल जैकेट बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी से कुछ भी किया जा सकता है आज। इसको हम कह सकते हैं जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी है, कुछ भी बना सकते हो आप, फिर उसको डिसइंटीग्रेट करके नया बना सकते हो, एनीथिंग कैन बी क्रिएटेड। तो नैनो टेक्नोलॉजी फेनमैन ने कहा। अब फेनमैन ने ही कहा कि आपको कैसे याद रहेगा, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे याद रहता है कि मैं जब भी कोई नई चीज़ पढ़ता हूँ अच्छे से समझने के बाद फिर मैं उसको पढ़ाता हूँ, और देर इज़ नो वन इन द क्लास बेटर सुटेड टू यू नो वाउच ऑन दिस देन मी। कि मैं भी जब कोई चीज़ पढ़ता हूँ नई बार, उसके बाद उसको पढ़ाता हूँ, मुझे उधर ही वो याद हो जाती है। अब आज आप मुझे इसी वक्त इकोनॉमी पूछो, मैं आपको पहले लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक सारी इकोनॉमी सुना दूंगा अभी हवाई। वाई? बिकॉज मैं 8 साल से ही काम कर रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब याद है।
क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते 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 मुझे पूरा याद हो गया। तो ऑलवेज फाइंड सम वे इन दिस क्लास ओनली। आप इस क्लास में हैं, आपको नया टॉपिक पढ़ा, अपने ग्रुप में एक दूसरे को पढ़ाओ, टीच अदर्स, आपको याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। टीच अदर्स, देन वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली, कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जैसे सब्जेक्ट में, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बिना विजुअलाइजेशन के याद करना बहुत मुश्किल है। जैसे ज्योग्राफी में आपको साइक्लोन्स पढ़ने हैं या प्रेशर बेल्ट्स पढ़ने हैं, आपको देखना है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे बनता है, फिर कोरियोलिस कैसे लगता है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आता है, फिर विंड जो है वो कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये 3D में इमेजिन करना है। ये पेपर पे पढ़ना, NCERT से पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप जाके पढ़ना क्लास 11th की NCERT, आप जब पढ़ना प्लानिटरी विंड्स, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ समझ नहीं आएगा उनको, आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस देखें। अगर मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे एक टॉपिक आता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा हमें क्या देखते हैं, DNA में इंफॉर्मेशन होता है, DNA वो इंफॉर्मेशन देता है mRNA को, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। mRNA ये इन्फॉर्मेशन देता है राइबोसोम्स को, उससे वो प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सारे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अब ये तो ऐसे समझ आ गया, लेकिन इसका जब आप वीडियो देखोगे आपको ये समझ आएगा, अच्छा ये था है। तो कुछ टॉपिक्स है जिसके लिए वीडियोस ज़रूरी है, विजुअलाइजेशन थ्रू वीडियोस, खास तौर पर एनिमेटेड वीडियोस। यूट्यूब पे सर्च करना है, टॉपिक का नाम लिखा, उस पे लिखा एनिमेशन साथ में। जैसे मैं आपको बताऊंगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट टेक्नोलॉजी है जो SpaceX ने बनाई। हमारे पास पहले क्या रॉकेट होते थे, रॉकेट ऐसा सिस्टम होता है, हमारे पास एक लॉन्च व्हीकल रॉकेट होता है, एक व्हीकल जिसमें हम सैटेलाइट डालते हैं। तो ये सैटेलाइट है, ये मैंने ऊपर डाली, इसके इस सैटेलाइट का जितना भी वजन होता है उसको हम पेलोड कहते हैं। तो ये पेलोड मैंने इस पे डाला, इस सैटेलाइट को मुझे ऑर्बिट में डालना है। अब ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचाना है, रॉकेट बस एक व्हीकल है उसको ऊपर तक ले जाने का। अब ये व्हीकल जो है लगभग 600-700 करोड़ का होता है। अब जब ये व्हीकल ऊपर अपनी सैटेलाइट को छोड़ता है, फिर इस व्हीकल का क्या होता है, ये गिरकर पानी में खत्म हो जाता है। तो 700 करोड़ खत्म एक मिशन में। इसीलिए SpaceX ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 700 करोड़ जब आसमान से गिर रहा होता है ये रॉकेट की शक्ल में, कोई इसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। फिर SpaceX ने टेक्नोलॉजी बनाई RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, कि हम ये रॉकेट जो ऊपर उठ रहा इसको हम वापस कैच करेंगे, जैसे कि 600 करोड़ कोई कैच कर रहा है। फिर उसने कहा कि हम इसको ऐसा बनाएंगे कि ये वापस वर्टिकल लैंड कराए जमीन पर। अब ये सुनने में ठीक लगा आपको, लेकिन इसको घर पे जाकर आप RLV SpaceX एनिमेशन सर्च करना, आप देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो से आपको याद, वीडियो का यूट्यूब का बहुत इस्तेमाल करना है इसको। नेक्स्ट वी हैव राइमिंग एंड रिदम। सूर्य यासिन किसी को याद है क्लास में? यासिन किसी को याद है? याद है पूरा? बीच बीच में क्या होता है, पूरा बोलो ना, याद है? एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, आपको लगेगा महीना पूरा यासिन याद होगा। मिशरी अल अफसी पता है जो ना, वो बड़ा अच्छा किरत करता है। हेडफोन उठाओ और सुनो, रोजाना सुनते जाओ, लेकिन जब सुनोगे तब साथ में सामने भी रखना स्क्रिप्ट, वो जब पढ़ रहा होगा आप साथ में देखना। ये रोजाना करो आप, एक महीना है, खुद याद हो जाएगा आपको। मुझे ऐसे याद हुआ। तो क्या सुनना है, रिदम में सुनना है, जैसे गाना चलता है। गाना कभी याद किया आपने बैठकर? मुझे डिस्को डांस याद करना है, वी नेवर लर्न सॉन्ग्स, वी जस्ट रिमेंबर इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर राइम्स, रिदम है उसमें, खुद ब खुद इंसान में हैसियत है, खुद ब खुद याद होता है। तो आपको जो भी पढ़ना है उसका एक रिदम बनाओ, एक राइम बनाओ, वो खुद याद होगा आपको। ठीक है, तो वो मेमोराइजेशन की एक टेक्निक है। नंबर 9, वी हैव राइटिंग बाय हैंड। ये कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ोगे उसको हाथ से लिखना है। नंबर 10, वी हैव हाईलाइटिंग एंड समराइजिंग। अब ये है थोड़ा जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूँ, हाईलाइटिंग एंड समराइजिंग। नाउ सी,
गलतियाँ नहीं करना। आप अभी सुनोगे कि सर नोट्स वोट्स बनाने ज़रूरी है, आपको कोई टॉपर बोलेगा यूट्यूब पे कि हर एक टॉपर अपने अपने नोट्स लेकर आता है, फिर आप क्या करोगे, आप कोई किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी, उसके बाद नोट बनाना शुरू करोगे। कभी भी पहली रीडिंग में जब आप पहली बार पढ़ रहे हो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, न हाईलाइट करना चाहिए, हाईलाइट करते ना, हाईलाइट भी नहीं करना चाहिए, पहली रीडिंग बस पढ़ लो। फिर सेकंड रीडिंग में आपको समझ आता है कि अच्छा ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ये है असल चीज़। और थर्ड रीडिंग में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग में कुछ भी नहीं, सेकंड रीडिंग में हाईलाइटिंग और थर्ड रीडिंग में समराइजिंग, समराइजिंग, थर्ड रीडिंग में समराइजिंग। नाउ सी, एनसीईआरटी 11th क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी, दीज आर ज्योग्राफी के नोट्स, ये यूपीएससी के टॉपर्स के नोट्स हैं। सी, क्या समराइजेशन किया है, पूरा टॉपिक डिजास्टर का 4 पेजेस में डाला है, ये पहली ही रीडिंग में नहीं हो पाता है। ये किस रीडिंग में होगा, ये थर्ड रीडिंग में। आपने पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर आपने सिनॉप्सिस बनाए, समरी नोट्स, समरी शीट्स। ये हम बच्चों से बनवाते हैं इधर। आप जब इंशाल्लाह परसों आओगे आपको मैं कुछ बच्चों के नोट्स दिखाऊंगा, इधर की बराबर ऐसे होंगे। तो ये इसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, बिल्कुल पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स। सेंटेंसेस लिखने ही नहीं है पूरे के पूरे, जैसे आप बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हो नोट्स में, वो यूनिवर्सिटी का टाइप होता है वो। यहाँ पर आपको सेंटेंस नहीं चाहिए, आपको कीवर्ड चाहिए, इसको हम टेलीस्कोपिक राइटिंग कहते हैं। कीवर्ड, 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 उसी को याद करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कितने हो गए, 10, 11। वी हैव ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी। आई कैन नॉट यू नो गिव इट मोर इम्पॉर्टेंस देन इट रियली डिजर्व्स। ग्रुप स्टडी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मनान है जो आईपीएस हुआ, उसका एक दोस्त था हुज़ैफ, दोनों साथ में पढ़ते थे। इन्होंने कोई टेस्ट सीरीज से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कोई मेंस का टेस्ट सीरीज, कोई आंसर राइटिंग, कोई कुछ नहीं किया, बस आपस में एक एक नोट चेक करा, दूसरा दूसरे के आंसर्स चेक करा, आपस में एक दूसरे को ग्रुप स्टडी में इवेलुएट करके दे रहे हैं। और मनान का परसों केएस में हुआ, 22 में, और 22 का ही आईएस भी हुआ। हुज़ैफ का केएस इस साल हुआ, मनान का 21 में हुआ था, हुज़ैफ का 22 में हुआ, रैंक 4 है उसको, यूपीएससी का मेंस भी लिखना है अगले साल। तो ये है कि तीन दोस्त अपने ग्रुप स्टडी में एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं। फाइनली द लास्ट मेथड इज मेथड ऑफ लोकाई, मेथड ऑफ लोकाई, मेथड ऑफ लोकाई, मेथड ऑफ लोकाई को हम मेमोरी पैलेस भी कहते हैं, मेमोरी पैलेस। एक पैलेस बनाना है आपको मेमोरी का। यू कैन प्राइमरली ये किया जा सकता है जब आप रूम पर होते हो, घर पे करना मुश्किल हो जाता है। मैंने ट्राई किया था, मेरी माँ ने मुझे चौंक दिया था, लेकिन जो ये रूम पे रहते हैं वो लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे करना है, आप रूम पर बैठे हो, वहाँ पर आप चाय तो बनाते हो या खाना सालन वालन बना रहे हो। सालन में आप एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है सॉल्ट, तो जहाँ पर सॉल्ट का डब्बा है वहीं पर डांडी मार्च लिख लो आप, सॉल्ट सत्याग्रह। और जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो उधर पे ही फ्लैश कार्ड में डाल दो। रोज़ाना सॉल्ट के पास जाना है, दिन में पाँच बार आपको दांडी याद पड़ेगा और वो कभी नहीं भूलेगा फिर आपको। जैसे एंट्रेंस में जाओगे तो आपके जो पिलर है एंट्रेंस के, उस पिलर पे अशोका लिख लो, मौर्यन एम्पायर, वो कैसे अपने रॉक एडिक्ट्स बनाता था उन्हीं पिलर्स पर, तो वो फ्लैश कार्ड में उधर ही डाल दो। उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लोकाई, लोकेशन को इस्तेमाल करो और उसको लिंक करो किसी हिस्ट्री, साइंस या ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ, और उसको उधर ही फ्लैश कार्ड में प्रिजर्व कर लो, उधर पे दिन में 5 बार आप देखोगे, 5 बार याद पड़ेगा। समझ आ रहा है? जैसे हम सिंक पे जाते हैं, सिंक पे आपने ना जहाँ वजू करते हैं या जहाँ मुंह धोते हैं, एकदम से आपने जग डाल दिया तो वो कैसे घूमता है ऐसे, है ना? तो वहीं पर आप ज्योग्राफी का साइक्लोन डाल दो, एंटी साइक्लोन्स, वो भी ऐसे ही घूमते हैं, उसका एक आंसर डाल दो कैसा होता है। तो एक लोकेशन को, स्पेसिफिक लोकेशंस को इस्तेमाल करो कॉन्सेप्ट्स के लिए, वो हमेशा याद रहता है फिर। और दीज आर सम ऑफ दी मेमोराइजेशनल टेक्निक्स। इसके बाद भी मेमोराइज नहीं होगा तो आपको मसाले बेचने पड़ेंगे फिर।
अच्छा अब जो भी मैंने बोला ना, अब आप देखना 1-2 महीने के बाद अब फिर से यही सवाल करोगे, फिर से यही आप पूछने आओगे। इसीलिए घर पे इसको भी रिवाइज कर लो जो मैं दे रहा हूँ, ताकि याद हो जाए आपको। नाउ सी, अब ये हो गया यूपीएससी के लिए जरूरी क्या है, यूपीएससी या केएस वीएस के लिए जरूरी क्या चीजें हैं। तो जरूरी है स्किल सेट, वो मैंने सारा बताया। जरूरी है मेमोराइजेशन, वो मैंने सारा बता दिया। वंस यू फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, नाउ इज द टाइम टू अप्रोच द एग्जाम। अब आप एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं, और सबसे पहला स्टेप, नाउ स्टेप्स आप क्या लेंगे वंस यू आर अप्रोचिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएससी। अप्रोच क्या है, पहली मर्तबा एक फ्रेशर को अप्रोच दे रहा हूं मैं, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता है। ये अप्रोच सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे हल्का सा बोल दूं, सिविल सर्विसेज अगर सेंट्रल का एग्जाम है, जैसे आईएएस रैंक कम आ गई तो आईपीएस मिलेगा, उससे कम आ गई तो रेवेन्यू मिलेगा, उससे कम आई गई तो अकाउंट्स मिलेगा। तो ऐसे करते करते अलग अलग जगह पर आप जा सकते हो। अगर आपको अच्छी रैंक मिली तो आईएएस मिलेगा। ये सारे एग्जाम्स एक ही एग्जाम से कवर होते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। यही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हमारी स्टेट की लेवल पर या यूटी की लेवल पर होता है, वो कौन कंडक्ट कराता है, जेके पीएससी, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जेकेएस कहते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज यूपीएससी सेंटर का, जेकेएस हमारा। नाउ वंस यू अप्रोच सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, अब आपका एनिमी है, एनिमी है जिसको आपको तोड़कर अंदर जाना है। सबसे पहले एक चाइनीज प्रोवर्ब याद रखना है आपको, टू डिफीट योर एनिमी, टू डिफीट योर एनिमी इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो योर एनिमी। अपने एनिमी को तोड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है पहले उसको जान लो अच्छे से, उसकी कमजोरियां, उसकी स्ट्रेंथ्स, सब कुछ इलेक्शन में काम आता ही है। To defeat your enemy, it is important to know your enemy. Now I'll tell you one reason. आपको लगता है कि मोसाद जो है इसराइल का, दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड और डेडली और रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी है? आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की सबसे रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी, रूथलेस इज मोसाद, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की सबसे खतरनाक। अगर आपको मेरी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप लेक्स फ्रीडमन, एक MIT का ग्रेजुएट है, उसकी एक यूट्यूब चैनल है लेक्स फ्रीडमन पॉडकास्ट, उसमें एक CIA का एक्स एजेंट आया है जो जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का मेंबर था, वो कहता है कि सबसे दुनिया की रूथलेस एजेंसी इज मोसाद, इसराइल की। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, द लीडिंग फिलोसोफर, वो कहता है मोसाद दुनिया में ऐसी चीजें कराता है जिससे कंट्रीज के बीच में जंगे हो जाती है। जैसे ईरान में वो एक जनरल मारा उन्होंने, सुलेमानी, पता है आपको किसने मारा उसको, मोसाद। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हमने, CIA ने और मोसाद ने मिलकर सुलेमानी को पकड़ा। वाई? बिकॉज दे वर डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान। सो वी हैड टू असैसिनेट हिम, ट्रंप बोल रहा है, परसों उसने बोला, ये भी एक हफ्ता हो गया होगा उसको। फिर हमने जब मिलकर ये काम किया और उसको असैसिनेट कराया, मोसाद ने असैसिनेट कराया, उसके बाद ये क्रेडिट हम दोनों को जाना चाहिए था, यानी नेतन्याहू को और ट्रंप को, लेकिन नेतन्याहू ने ये क्रेडिट अपने को ले लिया कि हमने मरवाया, सीधा क्लियर कि हम मरवाते हैं। बहुत लोगों का मानना है 9/11 मोसाद ने कराया था, बिकॉज वो कुछ भी करा सकते हैं। ये अमेरिका का खुद का पेंटागन के ऑफिशियल ने कहा है, जो आज विसल ब्लोअर बन गया है। जो पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था, जिस पर फिर एटम बम्ब्स लगाए गए जापान पर, वो भी कहा जाता है मोसाद ने कराया था। जो रशिया का एक पाइपलाइन आता था यूरोप, वो अचानक से फट गया, बीच में ब्लास्ट हो गई पाइपलाइन, जहां से नेचुरल गैस आता था यूरोप को, वो तोड़ा किसने, वो भी मोसाद ने तोड़वाया। और जब ट्रंप को पूछा गया कि वो पाइपलाइन किसने तोड़ी, ट्रंप ने कहा मुझे पता है किसने तोड़ी, लोग रशिया को बोलते कि रशिया ने तोड़ी, मैं आपको बता रहा हूं रशिया ने नहीं तोड़ी, मुझे पता है किसने तोड़ी, लेकिन मैं अपनी कंट्री को डेंजर में नहीं लाना चाहता। यह अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है।
दैट इज वॉट मोसाद इज ऑल अबाउट. अ पॉइंट ये है, मोसाद क्या करते हैं, जब भी वो किसी को टारगेट करना चाहते हैं वो पहले उसका सारा डेटा निकालते हैं, उसकी सारी वीकनेसेस निकालते हैं. कोई जज भी क्यों ना, ऐसी चीजों में उसको देखते हैं कि फंसाते हैं या किसी तरीके से हनी ट्रैप कराते हैं. हनी ट्रैप हो गया, भेज दी कोई लड़की इतनी अट्रैक्टिव कि उससे नहीं रह पाया, फंस गया बंदा, उसको वो कैप्चर करेंगे. अब फिर उसको अपनी तरफ जैसा घुमाना चाहे वैसा घुमाएंगे, नहीं मानेगा असैसिनेट करेंगे सीधा. दैट इज टू डिफीट योर एनिमी, इट इज बेटर टू नो योर एनिमी. योर एनिमी राइट नाउ इज यूपीएससी, एंड हाउ टू डिफीट इट इज दैट यू हैव टू नो इट. एंड हाउ डू वी नो इट? नंबर वन इज द सिलेबस. सिलेबस सब बोलते हैं पर करता कोई नहीं है. सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, सिलेबस देखो. आप में से इस क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक शुरू की है प्रिपरेशन एनसीईआरटी एनसीईआरटी से? रेज योर हैंड्स. यू हैव यू लर्न द सिलेबस ऑफ मेंस एंटायरली? नो. अर्बनाइजेशन कहां पे लिखा है? यू डोंट नो. सो डोंट स्टार्ट अनलेस यू हैव नॉट लर्न दिस डॉक्यूमेंट. इसको जबानी याद करो, चाहे आपको हफ्ता क्यों ना लगे, इसको जबानी याद करो. आज ही जितना टाइम लगेगा उतना टाइम इन सारी चीज़ों को जबानी याद करो. याद कैसे होगा? मेमोराइजेशन पहले ही बोला मैंने कैसे करना है. तो फ्लैश कार्ड बना के चिपका दो दीवार पर, रोज़ाना देखो उसको. जब तक आपको सिलेबस याद नहीं होगा, जबानी रॉट लर्निंग जबानी, आपकी प्रिपरेशन शुरू नहीं होनी चाहिए. आप लाइक नहीं हो तब तक प्रिपरेशन शुरू करने की. लर्न द सिलेबस बाई हार्ट. मैं आपको बताऊँगा, बताओ डिजास्टर कहाँ पे लिखा है? आपको पता होना चाहिए. सुनामी कहाँ पे लिखा है? आपको पता होना चाहिए. 1760 कहाँ पे लिखा है, ये डेट कहाँ पे लिखा है, ये पता होना चाहिए आपको. सोसाइटी कहाँ पे लिखा है? ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन कहाँ पे लिखा है? एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कहाँ पे लिखा है? एवरीथिंग शुड यू शुड नो दिस बाय हार्ट. बिकॉज अनलेस यू डोंट नो सिलेबस, आपको कोई किताब देंगे यू विल नॉट बी एबल टू क्या कह सकते हैं वैल्यू दैट. मैं यहाँ आ गया, मैंने पहले लेक्चर में आपको रेलवे पढ़ाना शुरू किया ना. आपको पता है रेलवे है कहाँ पर, कि किस सिलेबस का हिस्से में है? भाई कैसा सवाल आता है उस पर कुछ भी नहीं पता, आप रेलवे पढ़ रहे हो. यू विल नॉट बी एबल टू वैल्यू दैट लेक्चर. आप लेक्चर्स को वैल्यू और किताब को वैल्यू तब करोगे जब आपको सिलेबस पता होगा. आप पढ़ रहे हो नॉन स्टेट स्टेट एक्टर्स का क्या रोल होता है, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल होता है सोसाइटी इंडिया की सिक्योरिटी में. अब ना आपको पता है सिक्योरिटी कहाँ है, ना आपको पता है नॉन स्टेट एक्टर कहाँ लिखा है. तो यू हैव टू लर्न दिस. जब तक ये याद नहीं होगा प्रिपरेशन आगे बढ़ ही नहीं सकती है. एक एक लाइन इसकी याद होनी चाहिए आपको, खास तौर पर मेंस का सिलेबस. मेंस का सिलेबस, अब मेंस का सिलेबस चार हिस्सों में डिवाइड है, GS1, GS2, GS3 एंड GS4. चारों का सिलेबस याद होना चाहिए आपको. अभी मैं पैटर्न पे भी आऊंगा कि ये 1, 2, 3, 4 क्या है, अभी उस पर भी आएंगे. फिलहाल मैं बता रहा हूँ सिलेबस याद करना है. अब सिलेबस से आपको क्या मिलता है, ध्यान लगाओ. सिलेबस से आपको जो चीज मिलेगा उसको हम बोलते हैं टॉपिक. सिलेबस से आपको टॉपिक मिलता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो आपको अभी पता नहीं है. सिलेबस आपको बताता है कि ये इस पर क्वेश्चन होगा, ये आप पढ़ो. कैसे पढ़ो वो सिलेबस में नहीं है, बस टॉपिक मिल गया आपको. कहाँ से? सिलेबस से. अब दूसरा क्वेश्चन है, सर सिलेबस से टॉपिक तो मिला मगर अब ये टॉपिक क्या सब कुछ PhD की रिसर्च करनी है इस टॉपिक पर? पढ़ना कैसे ये टॉपिक, पढ़ना कैसे? इट इज़ एन आंसर टू द क्वेश्चन. जब आप पूछते हो सर NCERT कैसे पढ़नी है, सर बुक्स कैसे पढ़ने हैं, ये मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ कि सिलेबस का कोई टॉपिक है जो किसी बुक में भी लिखा है, NCERT में भी लिखा है, वही टॉपिक. जैसे एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, दिस इज अ टॉपिक. ये आपको किताब में भी मिलेगा, ये आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा, दृष्टि पे मिलेगा, विजन पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा. तो है आपके पास मटेरियल टॉपिक का, मगर पढ़ना कैसे है? नाउ सिलेबस से जब आप टॉपिक लेंगे, जो सेकेंड चीज आप करेंगे, सेकेंड टॉपिक लेने के बाद, दैट इज यू विल डायरेक्टली गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. You will directly go to previous year questions. Shortcut बता रहा हूं मैं, shortcut तरीका. आपने syllabus का topic लिया, मैं कोई topic लेता हूं, रुको.
देखो, ये यहां पर एक चीज लिखा है, ये टॉपिक मैं ले रहा हूं GS3 का। यहां पे एक लाइन लिखी है, इनक्लूसिव ग्रोथ। क्या लिखा है? ये लिखा है इस पे, ये आपके सिलेबस में मेंशन। अब आपको नहीं पता इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, आपने बस टॉपिक पढ़ा इंक्लूसिव ग्रोथ है, आपने आपका बैकग्राउंड कुछ और है, आपने बीटेक किया है, आपको पता ही नहीं कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं पता। आपने साइंस पढ़ा, मेडिकल पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं पता। पहली बार आप ये चीज़ देख रहे हो, सिलेबस से आपने टॉपिक लिया इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा साधा आप निकालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसके? दो एग्जाम्स के, एक आप निकालेंगे UPSC के, दूसरा आप निकालेंगे JKPSC के। UPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको सब क्वेश्चंस एक जगह पर मिलेंगे, मैं रेकमेंड कर रहा हूं, वो है drishti.com, drishti.is। जब आप drishti.is की वेबसाइट पे जाएंगे अच्छे से उसको देखना, वहां प्रीलिम्स का एक फोल्डर होगा, वहां पर मेंस का एक फोल्डर होगा। आपको क्या चाहिए? PYQ। आपको drishti.is पे जाकर एक क्या मिलेगा? प्रीलिम्स। दूसरा क्या मिलेगा? मेंस। अब जब आप प्रीलिम्स पे जाएंगे, प्रीलिम्स में आपको मिलेंगे साल साल के हिसाब से 2023, 2022, 2021, 2020, ऐसे करते करते कुछ सालों के दिए उन्होंने। आपको कितना पीछे जाना है? आपको पीछे जाना है टिल 2013, 2013 तक जाना है आपको। वो सारे के सारे पेपर आपको 13 तक नहीं मिलेंगे दृष्टि पर, जो नहीं मिलेंगे वो सीधा UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, 2013, या सीधा सर्च कर लेना UPSC प्रीलिम्स 2013, UPSC प्रीलिम्स 2014, UPSC प्रीलिम्स 2015, आपको किसी और वेबसाइट से मिलेगा। लेकिन लगभग जितना मुझे याद है 17-18 तक इन्होंने दिए हैं अपनी वेबसाइट पे, तो 17-18 तक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, 16-15-13-14 वो देख लेना। फिर आप क्या देखेंगे? मेंस 2023 से 2013 तक। ये हो गया UPSC का। फिर आप कहाँ जाएंगे? JKPSC। अब JKPSC में जैसे ये drishti.is की वेबसाइट है, वैसे हमारे पास है नहीं कोई वेबसाइट, क्विंटेसेंस बना रहा है, इट इज टेकिंग अस लॉन्गर देन इट शुड टेक। हम इसमें पिछले एक साल से काम कर रहे हैं कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसमें KS के सारे पेपर हो, SSB के सारे एग्जाम्स के पेपर हो, सोल्यूशन लेकर, आंसर्स लेकर, मॉडल आंसर्स चढ़ाकर, सब कुछ एक ही वेबसाइट पर हो, कि बच्चे को अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत ना पड़े, नॉट इवन JKPSC की वेबसाइट पर जाने की जरूरत पड़े, सारी नोटिफिकेशंस आपको उधर ही एक ही वेबसाइट पर मिले। और उसमें इतना सारा लाइक हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना लिया उसमें, अब उसमें कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारा कंटेंट है क्योंकि हम उसमें UPSC का भी डाल रहे हैं सब कुछ, 2013 तक हम डाल रहे हैं, नॉट इवन दृष्टि हैज डन दैट, पर इट इज़ टेकिंग अस लॉन्ग टाइम। उसके लिए टीम हमने अब हायर कर ली है थोड़ा वो फास्ट ट्रैक करने के लिए, इट विल टेक अस सम टाइम जब हम JKPSC की वेबसाइट लेकर आएंगे, बट फिलहाल के लिए अभी है नहीं कोई वेबसाइट। तो आपको क्या करना है? सीधा JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, jkpsc.nic.in, वहां पे जाना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे फिर से प्रीलिम्स के और मेंस के, प्रीलिम्स के और मेंस के। आज कौन सा साल है? 2023। आप लेंगे 2023 से सिर्फ 2018 तक, यहाँ पर भी 2023 से सिर्फ 2018, 23 का भी नहीं चढ़ाया उन्होंने, लेकिन लेना है 23 का भी। यह है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा मटेरियल। अब जब ये मटेरियल निकला आपको, आपने सिलेबस से क्या उठाया था? इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सिलेबस से मैंने टॉपिक उठाया इंक्लूसिव ग्रोथ। अब मुझे ये देखना है सर, इंक्लूसिव ग्रोथ तो ठीक है बोला आपने, पर सवाल क्या है, आता कैसे है, मुझे आप बताइए कि एंगल कौन सा कवर करना है इसका। टॉपिक तो मैंने ले लिया, अब मुझे इस टॉपिक के डायमेंशंस बताइए कि कैसे पढ़ना है ये टॉपिक। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या पढ़ना है?
इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़नी है, इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, कैसे होती है इंक्लूसिव ग्रोथ, एलिमेंट्स देखने हैं, क्या देखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है या नहीं है, क्या देखना है, तो ये दिशा चेक करना पड़ेगा आपको। इंक्लूसिव ग्रोथ के डायमेंशन कौन से ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं और जेकेएस ने पूछे हैं। तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे, प्रिलिम्स में। आपको पता चलेगा प्रिलिम्स में कहीं पर भी आपको इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब, ये टॉपिक प्रिलिम्स का नहीं है, फिर ये कहां का होगा, मेंस का। तो आपको इस टॉपिक को जब पढ़ना है तो प्री के हिसाब से नहीं पढ़ना है। पहला पॉइंट यही पता चल गया आपको। अभी आपको पता ही नहीं कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, लेकिन यही चीज पता चल गई कि ये प्री का टॉपिक नहीं है, बिकॉज मिल ही नहीं रहा थी। तो मैं भी जब पढ़ूंगा तो प्री के हिसाब से नहीं पढ़ूंगा। फिर मैं किस में गया, मेंस में। मैंने देखा 22 में क्वेश्चन आया इस पे, 19 में क्वेश्चन आया इस पे, 18 में क्वेश्चन आया, 16 में क्वेश्चन आया इस पे। पिछले 10 सालों में 5 बार रिपीट हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन मेंस के अंदर। तो मैं अब इंक्लूसिव ग्रोथ के यहां पर अब डायमेंशन निकालूंगा कि 22 में जो इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आया था उसका कौन सा एंगल टच किया था उन्होंने। तो उन्होंने ये एंगल टच किया था, उन्होंने बोला था कि बताइए क्या इंक्लूसिव ग्रोथ एक मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है या नहीं है। आपको पता चल गया कि मुझे इंक्लूसिव ग्रोथ को लिंक करना है किसके साथ, मार्केट इकोनॉमी के साथ। तो पहले तो मार्केट इकोनॉमी भी देखना पड़ेगा। फिर जब मार्केट इकोनॉमी देखेंगे तभी पता चलेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है या नहीं है। ये यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद हम दूसरा चीज देखेंगे, दूसरे जगह है, लिखा है एलिमेंट्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो एक और डायमेंशन आपको मिल गया, दैट इज एलिमेंट्स। एक और डायमेंशन मिलेगा आपको, दैट इज प्रॉब्लम्स। एक और डायमेंशन, ऐसे करते करते आपको क्या मिल गए, इंक्लूसिव ग्रोथ के डायमेंशंस। अब आ गया मैं एज ए टीचर क्लास में, मैंने उठाया इंक्लूसिव ग्रोथ और मैं पढ़ा रहा हूं इंक्लूसिव ग्रोथ में WW रोस्टोव्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। आप बोल रहे हैं सर ये WW रोस्टोव मॉडल तो कहीं है ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो, इसका तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है एग्जाम के। तो आपको मेरे लेक्चर का रिलेवेंस अगर देखना है वो किसके हिसाब से देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या डायमेंशंस है। मैंने आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का एक नोट थमा दिया, हमका ये याद करना, इससे हो जाएगा। अगर उस नोट में ये एलिमेंट ही नहीं है तो वो नोट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं। तो किसी लेक्चर की, किसी नोट की, किसी किताब की क्या रेलेवेंस है, वो ऐसे पता चलता है कि क्या इस किताब से, क्या इस टीचर से, क्या इस नोट से मेरे एलिमेंट्स, मेरे डायमेंशंस कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो वो रेलेवेंट नहीं है, वो बकवास पढ़ा रहा है। फिर PYQ कवर होना चाहिए आपका सारे के सारे 2013 तक। तो आपने अब जब इंक्लूसिव ग्रोथ, अब आप उठाएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, तो टीचर आया वो पढ़ा रहा है कि अच्छा इंक्लूसिव ग्रोथ ये कहते हैं कि जब हम ग्रो करेंगे तो ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, सबके साथ ग्रो करना है। अडानी अंबानी ग्रो कर रहे हैं उसको हम इंक्लूसिव नहीं बोलेंगे, जब सारी कौम ग्रो करेगी उसी को हम इंक्लूसिव कहते हैं। उसमें सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब ग्रो करने चाहिए। सारे रीजन्स ऑफ द कंट्री, गुजरात के साथ बिहार भी ग्रो करना चाहिए, उसी को इंक्लूसिव बोलेंगे। आज की जनरेशन ग्रो कर रही है, आने वाली जनरेशन भी ग्रो करनी चाहिए, उसको एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी बोलेंगे। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। और ये क्या मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है, नहीं है, वो हम अलग से देखेंगे। तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक अच्छा सा नोट बनाएंगे, उस नोट में ये सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे, जो आपको टीचर देगा, जो आपने PYQ से निकाले, ये सारा आपने एक जगह पर तैयार कर लिया। अब आपने टीचर से पहले सुना, टीचर ने पढ़ा आपको तो सुना, फिर आप टीचर के पास जाएंगे, सर ये टॉपिक जो है जो आपने पढ़ाया इसके, ठीक है आप जो नोट्स दे दिए ठीक है, पर मुझे बताइए मैं और कहाँ से पढ़ूंगा। वो आपको बोलेगा बेटा इंक्लूसिव ग्रोथ NCERT में मेंशन नहीं है, आपको इसके लिए किताब लानी पड़ेगी। सर कौन सी किताब, आप श्रीराम लाओ या नितिन सिंघानिया लाओ। तो आप लाएंगे नितिन सिंघानिया। जब नितिन सिंघानिया लाएंगे आप, आपको नहीं पढ़ना उसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, टेबल में देखो इंक्लूसिव ग्रोथ कहाँ पर लिखा है, सीधा उसी चैप्टर पर जाओ, सीधा इंक्लूसिव ग्रोथ उठाओ और सीधा उसके नोट्स ऐड करो, फिर देखो क्या उस नोट से मेरे सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपका टॉपिक कवर हो गया, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, नॉवेल नहीं पढ़नी है, कोई स्टोरी नहीं। आपने सिलेबस से टॉपिक उठाया, PYQ से क्या निकाले, डायमेंशंस, उसके बाद वो किताब से पढ़ा, टीचर से पढ़ा, नोट से पढ़ा, नोट अच्छा तैयार किया, सीधा उसी चैप्टर पे जाना है जहां पर वो टॉपिक मेंशन है, बाकी चैप्टर स्किप करो। फिर जब दूसरा चैप्टर आएगा नेशनल इनकम, दूसरा टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम, ये टॉपिक आपने उठाया, उसके बाद हम नेशनल इनकम के क्या निकालेंगे, डायमेंशंस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूं। डायमेंशन निकले आपको कहां से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेकेएस के भी और यूपीएससी के भी।
आप बहुत बार देखोगे यहां पर कोई क्वेश्चन आया है 18 में, वो 21 में इधर भी आया है। यहां पर एक क्वेश्चन आया है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जेकेएस जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट करके डाल रहा है। एनालिसिस करना आपको खुद से। अब जब आप ये करेंगे आपको पता चलेगा नेशनल इनकम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो परसों क्वेश्चन आया था 2021 में कि हमारा नेशनल इनकम निकालने का जो तरीका है 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने चेंज किया। तो 15 में से पहले जो जीडीपी निकलता था वो, जिस जीडीपी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, जो नेशनल इनकम निकलता था वो अलग था। 15 के बाद जो नेशनल इनकम निकल रहा है वो अलग है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या डिफरेंस है। अब ये नेशनल इनकम का आपको क्या मिल गया, डायमेंशन। पहला डायमेंशन है नेशनल इनकम क्या हो गया, सेकंड 15 से पहले और 15 के बाद बदलाव कैसे आया, तो डिफरेंस देखना है 15 में क्या हुआ था। समझ आ रहा है आपको? तो आपको डायमेंशन पता चल गया। फिर आप उठाएंगे टीचर का लेक्चर किताब, उसमें चेक करेंगे ये सारे डायमेंशन कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नोट तैयार किया, टॉपिक खत्म। एनसीईआरटी में सीधा उसी चैप्टर पे जाना है जहां नेशनल इनकम लिखा है, बाकी स्किप करो। ऐसे करते करते टॉपिक उठाने हैं और टॉपिक के डायमेंशंस कवर करने हैं। समझ आ रहा है आपको? ऐसे नोट तैयार होगा आपका। लेकिन ये आपका सिर्फ नोट तैयार हुआ, ये क्या सिर्फ तैयार हुआ नोट। इस नोट से आप आंसर कैसे लिखोगे वो अभी आपने नहीं सीखा है। आपने बस एक कंटेंट तैयार किया, बिकॉज आंसर लिखा नहीं जा सकता है जब तक कि क्या ना तैयार हो, कंटेंट, मवाद तैयार ना हो। पहले मवाद तैयार करना है, सब्सटेंस। सब्सटेंस तैयार हुआ देन यू कैन राइट। अभी आपने सब्सटेंस तैयार किया है, नाउ हाउ टू गिव इट अ फॉर्म ऑफ एन आंसर, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। वो हम कल के इसमें कवर करेंगे। फिलहाल हमने आज में सिर्फ सब्सटेंस तैयार किया है। फिर आंसर कैसे लिखते हैं उसके लिए हमें एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कल बताऊंगा कि कहां से हम आंसर लिखना सीखते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। ये बड़ा काम है, मैं आपको बता रहा हूं। इतना बोलने के बाद भी आप कितना भी आप पढ़ लो किताबें विताबें, कुछ भी नहीं होने वाला है अनलेस यू डोंट डू दिस। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इफ यू कवर ऑल एनसीईआरटीज एंड यू स्टिल डोंट नो कि पीवाईक्यूज में क्या आया है। यू शुड नो कि यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन कौन सा है, कब आया था, कितनी बार रिपीट हुआ है, केस में कब रिपीट हुआ। ये क्वेश्चंस बार बार थीम्स रिपीट होते हैं, इनको हम कहते हैं थीम्स। आपने थीम्स निकाली, उसके डायमेंशंस कवर किए, वो डायमेंशन आपको तैयार करने हैं। उसमें एडिशनल डायमेंशन भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर बार पुराना क्वेश्चन ही रिपीट होगा, उसमें एडिशनल डायमेंशन भी होते हैं, वो भी पढ़ने हैं साथ में। लेकिन नोट जब तैयार करना है, कम से कम ऐसा तैयार करना है कि पुराने सारे क्वेश्चन हो जाए और आने वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हो। एडिशनल डेटा डालना है उसमें। तो आपको अगर कोई लग रहा है कि कोई टीचर आपको ये सारा करके देगा, ये आपका भूल ख्याल है, कोई नहीं करके देगा आपको। दुनिया में कोई ऐसा ना इंस्टीट्यूट है ना कोई टीचर है जो ये काम करके दे सकता है, ये आपको खुद करना है। अपना अपना टीचर अपना अपना कर सकता है। जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमी का ये करके दे दूंगा आपको, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमी का। दूसरा टीचर दूसरे सब्जेक्ट का करेगा, मगर ओवरव्यू आपको सारे एक साथ मिले वो आपको खुद करना है। दिस एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइड थ्रू सेल्फ स्टडी, नोबडी कैन गारंटी यू सक्सेस। कोई आपको क्वालिफाई करा कर नहीं दे सकता है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा ये सिर्फ अगर नॉलेज का एग्जाम होता तो हम आपको बोलते ये नोट तैयार करो और एग्जाम लिखो। ये नॉलेज का एग्जाम ही नहीं है, ये पर्सनैलिटी का एग्जाम है, ये आपके कैरेक्टर का एग्जाम है। अब आपका कैरेक्टर कैसा है हमें क्या पता। आपकी जिंदगी में आपने वो सारे स्किल सेट तैयार किए हैं या नहीं किया, उसका हमें कोई लेना देना नहीं। हम आपका सिलेबस कवर कर सकते हैं सिर्फ टॉपिक, बाकी की सारी जो बाकी स्किल की रिक्वायरमेंट्स है दैट इज योर ओन थिंग। इसीलिए लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई होता है, मगर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि करना कैसे है। यू विल फाइंड सम वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जिसको आपका सोल्यूशन चाहिए होगा। फिर आगे भी उसके लिए मेंटरशिप है, गाइडेंस है। आप यहाँ आना चाहते हैं, कितने कहीं भी जाना चाहते हैं, आप जाओ, मगर दिस इज हाउ यू मेक द रिलेवेंस ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग टॉक टू यू, कि ये रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट है। हमने जब यहाँ पे कुछ बच्चे लास्ट टाइम आए, सेम चीज़ मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। ये जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ ये मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट मेक सेंस ऑफ इट। उनको दिमाग में खुमार चढ़ गया कि हमें दिल्ली जाना है। अब जब आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली में उनका मार्केट ऐसा है, दे हैव टू फिनिश द सिलेबस इन 10 to 11 months, बिकॉज हर कोई कर रहा है, आपको भी करना है। अगर आपका दिल्ली में कोर्स लंबा है, मतलब किसी इंस्टीट्यूट ने कहा हम 14-15 महीने पढ़ाएंगे, उनका कोर्स ही नहीं बिकेगा। वाई? बिकॉज दिल्ली में 15 महीने रहना पड़ेगा। और बच्चा क्या है, बच्चा बोलेगा जा जल्दी जल्दी होना चाहिए मेरा, तो हर एक क्या करता है 10 महीने में खत्म करने की कोशिश करता है, 11 महीने में। और मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ,
मुझे वो पूरे इकोनॉमी में 32 क्लासेस देते हैं और मुझे बाय कीपिंग अ रॉक ऑन माय हार्ट मुझे बहुत सारे टॉपिक छोड़ने पड़ते हैं बिकॉज 32 क्लास में इकोनॉमी खत्म नहीं होता है। और यहां पर मैंने 2.5 महीने इकोनॉमी पढ़ा है, अब चेक करना हमारी वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर, 2.5 महीने मैंने इकोनॉमी पढ़ा है, रोजाना 2-2.5 घंटे और 3 घंटे के लेक्चर देता था मैं, तब जाके इकोनॉमी का सब्सटेंस तैयार हुआ बच्चे का, वो दिल्ली में तैयार नहीं होता। इसीलिए हमारा कोर्स 14 महीने के वर्किंग क्लासेस का है, 14 महीने के वर्किंग क्लासेस का है, 14 महीने का नहीं है, 14 महीनों के क्लासेस का है, छुट्टियां काटकर, उसमें छुट्टियां घुस जाएंगी फिर वो ये 14 महीने में खत्म क्यों नहीं हुआ, 14 महीने के क्लासेस लगेंगे और रोजाना आपको 4-5 घंटे बैठना है हमारे साथ, तब जाके खत्म होगा, वरना हमारे बस की बात नहीं है 11 महीने में खत्म करना है, ये कोई नहीं कर सकता, वरना छोड़ना पड़ेगा टॉपिक और बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि क्या क्या छोड़ा है। आपको क्या पता है, मैं आपको इकोनॉमी पे आसमानी चीजें पढ़ा लूंगा, आपने तो किया ही नहीं एनालिसिस, कौन करता है ये एनालिसिस, जिसको पता ही नहीं मुझसे उसने, मैंने प्रॉब्लम नहीं पढ़ाई, मैंने एलिमेंट नहीं पढ़ाया, आपको क्या पता कि सर क्या छोड़ रहा है, आपको पढ़ रहा है बड़ा जबरदस्त मजा आ गया पढ़ने में लेकिन एलिमेंट्स तो कवर ही नहीं हुए मेरे, फिर जब एग्जाम देने जाओगे फिर देखोगे नोट से कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा मेरा। मैं जब पढ़ने गया था, मैं आपको क्या बताऊं, जो मैंने खुद पढ़ा दिल्ली में, मैं कम से कम आपको दावे के साथ बता रहा हूं, मैं उसका लगभग 10 गुना ज्यादा पढ़ाता हूं इधर जो मैंने खुद पढ़ा था, बिकॉज एक तो मैंने खुद जो वहां तैयार किया किताबें से तैयार की, फिर मेरी अपनी प्रिपरेशन का जो मवाद तैयार हुआ वो इतना ज्यादा है कि इसमें समय लगता है कवर करने में। तो ये है यहाँ का प्रोसेस, देर इज नथिंग। अब दिल्ली में भी क्या हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस अब दिन ब दिन कम हो गया, अब वहाँ जाओ किसी भी लाइब्रेरी वाले से बात करो या किसी दुकानदार से बात करो, दे विल टेल यू अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा दिल्ली का, बिकॉज एक तो ऑनलाइन की वजह से खत्म हो गया सिस्टम दिल्ली जाने का, सेकंड रीजनल सेंटर्स उठ गए, अब रीजनल सेंटर्स के पास इतने बच्चे हैं कि दिल्ली में आपको दिल्ली के टीचर को आप रीजनल सेंटर पे ला सकते हो। लास्ट ईयर वी गॉट अ टीचर फ्रॉम दिल्ली, बहुत बड़े टीचर, बहुत बड़े टीचर, लाइक इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर क्विंटेसेंस टू गेट हिम अलॉन्ग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जो जो इस स्टडी में उसको पता है कि उनका नाम क्या है। सो दिस इज इट, यहाँ पर आपको एम्पल गाइडेंस है, यू वॉन्ट टू कम हेयर डोंट वॉन्ट टू कम हेयर बट बी अंडर सम गाइडेंस, दिस थिंग आप कितनी भी एनसीईआरटी पढ़ाते ये कोई नहीं बताता आपको, दिस इज वॉट यू रिक्वायर, क्रीम है ये प्रिपरेशन का, ये आप अच्छे से घर पे जाके अंडरस्टैंड कर लो, इनग्रेन कर लो, दिल में डाल दो, इसके बगैर क्वालिफाई नहीं होगा ये। एनसीईआरटी मैंने बात भी नहीं की एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी से क्या मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। लोग एनसीईआरटी के पीछे पागलों की तरह भागते हैं लेकिन असल चीज करने की नहीं करते हैं। जब टॉपिक पढ़ना है ना इधर, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, आपको टीचर बताएगा इंक्लूसिव ग्रोथ ये जो है ये टॉपिक है, या नेशनल इनकम ये टॉपिक है, या आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर ये है, पढ़ लेना, तो सीधा एनसीईआरटी पे वही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे, फिर वही चैप्टर किसी दूसरे किताब से पढ़ेंगे, फिर उससे देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो और पढ़ेंगे, फिर जाके नोट तैयार होगा। ये सेल्फ स्टडी का काम है, ये मैं करके नहीं दे सकता आपको, दैट इज यू नो व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और फिर जो स्किल सेट है इसमें वो आप दिमाग में रखिए, कल एक और सेशन होगा जिसमें अब मैं डायरेक्टली अंदर घुसूंगा, अभी मैं आपको ब्रॉड बाउंड्रीज बता रहा हूँ एग्जाम की, कल हम सीधा स्पेसिफिक चीज़ें उठाएंगे सिलेबस की और मैं आपको कुछ बताऊंगा कि उससे आंसर राइटिंग वगैरह कैसे होती है, टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी होती है, वो कैसे बार बार मेंस क्वालिफाई करके फिर सिलेक्ट होते हैं कभी ना कभी। आप देखेंगे कभी जिसने इंटरव्यू दिया ना यूपीएससी का, अगले बार फिर से मेंस क्वालिफाई करता है, फिर से मेंस क्वालिफाई करता है। हमारी एक दोस्त है डिम्पल है मैं उसका, वो अभी दिल्ली में मेरे साथ पढ़ाती है, उसने शायद मुझे लगता है छः बार यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया और लास्ट 4 अटैम्प्ट में शायद उसने 4ों मेंस क्वालिफाई किया। तो ये सिस्टम है, वो बार वो सीख जाता है करना क्या है, फिर कंटिन्यूसली वही करता है और उसी स्ट्रेटजी से पास हो जाता है। एक ही स्ट्रेटजी है इसकी, उस पर हम कल बात करेंगे।